This is Bibika TV. Watch deeply researched documental biography videos. Subscribe, like, hit the bell icon and share. एक ऐसी अभिनेत्री जिन्हें मिला पहला फिल्म फेयर अवार्ड, एक ऐसी अदाकारा जिन्हें कहा गया ट्रेजेडी क्वीन। अपनी अदायगी के दम पर वो है हमेशा अमर। नायाब खूबसूरती के साथ उनकी थी दिलकश आवाज, आज भी है उनका सब दिलों पर राज। अदाकारी के साथ उन्होंने लिखी कई शायरियां और बन गई नाज। हर कोई जानना चाहता है उनकी कहानी। She is none other than tragedy queen, मीना कुमारी। तो जिगर थाम के लेटो, मेरी बारी आई। और काली काली ये घटाएं, ये बरसता पानी, बन गया दिल के लिए आग का शोला पानी। इसमें शर्म की कौन सी बात है रे? तुम्हारे लिए पीना शुरू किया, तुम्हारे लिए उसे छोड़ भी सकती हूँ, पर चुपचाप मेरे बारे में किसी को कुछ न बताना। हाय, हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं तरुण व्यास, आप देख रहे हैं बीबीका टीवी, आपका पसंदीदा बायोग्राफी वाला चैनल। और अब हम फैमिली में धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 4 लाख होने वाले हैं। आपको भी शुक्रिया और धन्यवाद कि आप सब्सक्राइबर हैं। और अब इस परिवार में एक नई बायोग्राफी आप तक पहुँचाने का वक्त आ गया है, और बायोग्राफी है मीना कुमारी जी की। आवर्स देखते ही सब लोग कहेंगे, अरे 2 घंटा, ये तो बहुत ज़्यादा है। लेकिन किसी की लाइफ को आसानी से बता देना, छोटी सी बात पे बता देना, वो भी अच्छी बात नहीं। और मीना जी जैसी जिन्हें ट्रेजेडी क्वीन कहते हैं, बड़ी नाइंसाफ़ी होती है ना। और ये बात भी है कि इस बायोग्राफी को देखने के बाद में आप लास्ट में कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि वो रियल लाइफ में ट्रेजेडी क्वीन थी या रियल लाइफ में थी, ये आप इस बायोग्राफी में पूरा जानेंगे। और अब आखिर में बात जो मीना कुमारी भी चाहती हैं, मैं भी चाहता हूँ कि सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए हमारा ये चैनल, और साथ ही घंटी के बटन को ज़रूर क्लिक कीजिए। मीना जी भी यही चाहती हैं। मैं इंतज़ार करूंगी कयामत तक। सलाम, आज मैं अपनी पसंद को आपकी पसंद मानकर आपके इस खास कार्यक्रम को पेश करने लगी हूँ। मैं जानती हूँ आप इससे खुश होंगे, और मुझे तो इस बात से ही खुशी महसूस हो रही है कि मैं आपसे मुखातिब हूँ। मीना कुमारी का जन्म 1 अगस्त सन 1933 को हुआ। जगह थी मुंबई। इनका असली नाम था महजबी बानो, पिता का नाम अली बख्श और माँ इकबाल बानो। मीना कुमारी की 2 बहनें भी थीं। पहली इनसे बड़ी थी जिनका नाम था खुर्शीद, और दूसरी इनसे छोटी जिनका नाम था मधु। इनके पिता अली बख्श पाकिस्तान के एक छोटे से गाँव बहेड़ा के रहने वाले थे। बचपन से संगीत का शौक था अली बख्श को। बड़े होते होते हारमोनियम बजाने के साथ साथ गांव के गीतों को भी कंपोज करने लगे थे, और इस हुनर को देखकर पूरे गांव के लोग उन्हें कहा करते थे मास्टर साहब। अली बख्श की शादी कम उम्र में ही हो गई थी, और उस शादी से 3 बेटियां भी थी। अली बख्श अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहते थे, पर गाँव में रहकर ये कहाँ मुमकिन था। इसीलिए सन 1924 में अली बख्श अपनी पत्नी और 3 बच्चियों को छोड़कर मुंबई आ गए। उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, पर कोशिश करने के बाद उन्हें एक थिएटर में नौकरी मिल गई। नौकरी थी हारमोनियम बजाने की। बस क्या था, मुंबई रहने का इरादा पक्का हो गया अली बख्श का। और उन्हीं दिनों वहीं थिएटर कंपनी में उनकी मुलाकात हुई कामिनी नाम की एक डांसर से। कामिनी का असली नाम था प्रभावती देवी। प्रभावती की अगर जानकारी लें तो इनकी माँ थी हेम सुंदरी, जिनकी शादी कवि रविंद्रनाथ टैगोर के भाई से हुई थी। पर पति के देहांत के बाद उन्होंने ससुराल छोड़ दिया था और दूसरे शहर में आकर नर्स की नौकरी करने लगी थी। और वहीं पर फिर उनकी मुलाकात हुई थी ईसाई पत्रकार प्यारेलाल शाकिर से, और उस समय प्यारेलाल का नाम मेरठी नाम से मशहूर हुआ करता था। हेम सुंदरी और प्यारेलाल ने फिर शादी कर ली थी, और उनके बच्चों में से एक बच्ची का नाम था प्रभावती,
जो कि बड़ी होकर कामिनी नाम से डांस शो किया करती थी। अली बख्श और प्रभावती एक दूसरे के प्रति बड़े आकर्षित होने लगे और फिर उन्होंने शादी भी कर ली थी। प्रभावती देवी निकाह के बाद बनी इकबाल बानो और इनके जो बच्चा हुआ उनका नाम था मीना कुमारी। जब मीना कुमारी पैदा हुई थी तो इनके पिता अली बख्श बिल्कुल भी इस बच्ची से खुश नहीं थे, क्योंकि इससे पहले एक लड़की खुर्शीद नाम से इनकी हो चुकी थी। दूसरे बच्चे के रूप में वो लड़का चाहते थे। लड़की होने की वजह से बड़ा बुरा लगा अली बख्श को। आर्थिक स्थिति भी बिल्कुल ठीक नहीं थी। डॉक्टर की फीस देने तक के पैसे नहीं थे अली बख्श के पास। गुस्से में अली बख्श ने अपनी नवजात बच्ची को अनाथालय की सीढ़ियों पर छोड़ दिया। पर बच्ची के बदन पर चींटियों ने जब काटना शुरू किया तो बच्ची असहाय होकर रोने लगी। रोने की आवाज अली बख्श सहन नहीं कर पा रहे थे। वो अपनी बच्ची को वापस गोद में उठाकर घर ले आए। और उस नन्ही कली का नामकरण कर दिया। नाम रखा गया महजबी और घर में पुकारा जाने वाला नाम बना मुन्ना। महजबी की बड़ी बहन खुर्शीद फिल्मों में बाल कलाकार के रूप में काम करती थी। वहीं अली बख्श को भी दो फिल्मों में संगीत देने का मौका मिला। पहली फिल्म थी ईद का चांद और दूसरी शाही लुटेरे। पर यह सब कुछ घर चलाने के लिए काफी साबित नहीं हो रहा था। खुर्शीद की तर्ज पर अली बख्श ने नन्नी महजबी को भी फिल्मों में काम करवाने की सोची और वो इसमें सफल भी हुए। नन्नी महजबी को लेकर स्टूडियो दर स्टूडियो चक्कर लगाने लगे। वहीं उन दिनों प्रकाश स्टूडियो के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर विजय भट्ट एक फिल्म बना रहे थे लेदर फेस। इसकी तैयारियां चल रही थी। जब अली बख्श ने महजबी को विजय भट्ट से मिलवाया तो वो नन्नी महजबी को देखकर बड़े इम्प्रेस हो गए। उन्होंने अपनी फिल्म लेदर फेस में महजबी को ले लिया और महजबी को इस फिल्म में फीस के तौर पर मिले 25 रुपए। और वहीं इनके नाम में मीना नाम भी ऐड हो गया। महजबी से बदलकर उन्होंने फिल्मों में नाम रख दिया बेबी मीना। बेबी मीना का काम सबको अच्छा भी लगा और फिर कई फिल्मों में बाल कलाकार के रूप में नजर आने लगी बेबी मीना। इन फिल्मों के नाम रहे अधूरी कहानी और पूजा। ये दोनों ही फिल्में 1939 में आई, फिर नई रोशनी 1940 में और फिर उसके बाद कई फिल्में आती चली गईं जिनमें बाल कलाकार के रूप में नजर आईं बेबी मीना यानी मीना कुमारी। बेबी मीना एक्टिंग के साथ गाना भी बहुत अच्छा गाती थी। उन्होंने फिल्म बहन में पहली बार गीत गाया था। हालांकि बेबी मीना को खुद के लिए कभी गाना पसंद नहीं था, उन्हें तो दूसरे बच्चों के लिए गाना अच्छा लगता था। बेबी मीना को फिल्में मिलती चली जा रही थी, इससे अली बख्श बहुत खुश रहा करते थे। पर मीना का बचपन इसमें खुश नहीं था। जरा हमें 2 पैसे की अंग्रेजी मिठाई ला दो। वाह बिटिया, यहाँ नौकरी पे को बैठी? दौड़ के ला दो जब तक हम यहाँ बैठे हैं। यूँ नहीं हो सकत। देखो भैया, नहीं ला दोगे तो मैं तुम्हारी भाई साहब से कह दूंगी कि ये काम काज कुछ नहीं करते, दिन भर बैठे बैठे बीड़ी पिया करते हो। पूरा पूरा दिन स्टूडियो में गुजरने लगा। एक कम उम्र की बच्ची मीना को ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। छोटा सा मन आजादी से घूमने फिरने को उतावला रहता था। बच्चों के साथ खेलने को बेताब रहती थी महजबी, पर नाजुक कंधों पर जिम्मेदारी का बोझ था। बचपन पूरी तरह से छिन रहा था। पढ़ने का बहुत शौक था मीना को और वो स्कूल जाना चाहती थी। एडमिशन भी हुआ, पर शूटिंग के इस दौर के चलते वो कभी स्कूल जा ही नहीं सकी। अपनी किताबों को वो अक्सर सेट पर लेकर जाती और जैसे ही समय मिलता किताबें पढ़ने लगती थीं। और इसीलिए इनका नाम उस वक्त बच्चों ने कहना शुरू किया पढ़ने वाली महजबी। इस नाम से इन्हें पुकारा जाने लगा। महजबी जब 6 साल की थी तब उनकी मुलाकात हुई थी कमाल अमरोही से। कमाल अमरोही उस वक्त सोहराब मोदी के लिए काम किया करते थे।
उन दिनों फिल्म जेलर के लिए 6-7 साल की एक चाइल्ड आर्टिस्ट की जरूरत थी। अमरोही को अली बख्श से मिलने और बेबी मीना को देखने का जिम्मा सौंपा गया। जब अमरोही अली बख्श के घर गए तो उनका स्वागत केले खाती हुई बेबी मीना से हुआ। उस वक्त अमरोही ने सोचा भी नहीं था कि ये 6 साल की छोटी सी बच्ची आगे चलकर उनकी जिंदगी की हम सफर बनेगी। वहीं एक दिन पिता अली बख्श ने बेबी मीना को अशोक कुमार से भी मिलवाया था। तब उस प्यारी सी बच्ची को देखकर दादा मुनि ने कहा था, आप बहुत प्यारी हैं, जब आप बड़ी हो जाएंगी तब हमारी हीरोइन जरूर बनना। किसे पता था कि आगे चलकर अशोक कुमार की ये बात सच होगी और अशोक कुमार की हीरोइन भी बनेगी मीना कुमारी और उनकी जोड़ी दर्शकों को बहुत पसंद आएगी। बहरहाल बाल भूमिका निभाते निभाते बेबी मीना फिर आगे चलकर बनी मीना कुमारी। जिस फिल्म से ये मीना कुमारी बनी उस फिल्म का नाम था बच्चों का खेल। ये फिल्म सन 1946 में आई थी। उसी साल दुनिया एक सराय नाम से भी फिल्म आई। फिर 1948 में दो फिल्में आईं, पिया घर आजा और बिछड़े बालम। ऐसी कई फिल्में मीना कुमारी की शुरुआती फिल्में रहीं, जिसमें उन्होंने गाना भी गाया। धीरे धीरे अली बख्श की आर्थिक स्थिति में सुधार होने लगा, पैसा अच्छा कमाने लगी मीना कुमारी। अली बख्श अपनी तीनों बेटियों को फिल्मों का हिस्सा बनाने में कामयाब हो चुके थे। मीना कुमारी के बाद उनकी छोटी बहन मधु भी चाइल्ड आर्टिस्ट की भूमिका में काम करने लगी थी। अब अली बख्श मीतावाला चौल से चैपल रोड के एक घर में शिफ्ट हो गए। अली बख्श ने अपनी तीनों बच्चियों के जहन में सिर्फ काम ही डाल रखा था। उन्हें बच्चियों का खेलना समय की बर्बादी नजर आता था और इसका सबक मीना कुमारी ले भी चुकी थी। एक दिन बेबी मीना खेल रही थी और अली बख्श ने आकर खेलने के लिए मना किया, पर छोटे से मन ने ये बात मानने से इनकार कर दिया। तब अली बख्श का गुस्सा सातवें आसमान पर था और मीना को मार भी खानी पड़ी थी और उस मार के साथ ही इस बात को अच्छे से उनके जहन में बैठा दिया गया कि वो सिर्फ काम करने के लिए ही हैं। स्कूल जाना, बच्चों की तरह खेलना और मस्ती करना उनके जीवन का हिस्सा नहीं है और इसी के चलते अब बचपन की इच्छाएं काम के तले दब चुकी थी और पिता के इस सख्त व्यवहार से मीना कुमारी सहम जाती थी। जब उनकी माँ का आंचल उन्हें ठंडी छांव देता तो वो अपनी माँ की गोद में सब भूलकर लेट जाया करती थी। मुझे अपनी गोद में छुपा लो, मुझे अपने दामन में पना दो माँ, मुझे अपने दामन में पना। उनका दुलार और प्यार मीना की बहुत बड़ी ताकत बना, पर इस ताकत ने अचानक उनका साथ छोड़ दिया। इकबाल बानो को फेफड़ों का कैंसर था और चौल से नए घर में आने के बाद 18 महीने ही बीते थे। 25 मार्च सन 1947 इकबाल बानो इस दुनिया को अलविदा कह गई। मीना कुमारी के लिए माँ का यूं छोड़ जाना एक सदमे से कम नहीं था, पर वो कर भी क्या सकती थी। उन्हें तो सिर्फ चलना था, अपनी जिम्मेदारी संभालनी थी, काम करते जाना था, पर शिकायत नहीं करनी थी। मीना को अब पौराणिक फिल्मों के ऑफर भी मिलने लगे थे। उन्होंने वीर घटोत्कच में सन 1949 में काम किया, श्री गणेश महिमा 1950 में रिलीज हुई, लक्ष्मी नारायण और हनुमान पाताल विजय नाम से दो फिल्में सन 1951 में रिलीज हुई और ऐसी ही कई पौराणिक फिल्मों में काम किया मीना कुमारी ने। वहीं मल्टी स्टारर और मुख्य भूमिकाओं वाली फिल्मों में भी काम किया। 1950 में आई दो फिल्में मगरूर और हमारा घर, सनम और मधोश फिल्म आई सन 1951 में, तमाशा नाम से एक और फिल्म रिलीज हुई। ऐसी तमाम फिल्में इनके फिल्मी सफर को आगे बढ़ा रही थीं, लेकिन ये सभी फिल्में मीना कुमारी को सही पहचान नहीं दिला पा रही थीं। जब मीना कुमारी हिंदू धार्मिक फिल्मों में काम कर रही थी तब एक दर्शक ने फिल्म पत्रिका को गुस्से में पत्र लिख डाला और पूछा कि जब मीना कुमारी हिंदू है ही नहीं तो वो पौराणिक फिल्मों में चरित्र क्यों निभाती हैं। तब मीना कुमारी ने कहा था, नैतिकता किसी भी धर्म में बाध्य नहीं है, ये इंसान की भावना होती है और मैं अपने मन की भावना से ही किरदार निभाती हूँ। मुझे यहाँ से ले चलिए प्रभु। मीना अब 18 साल की हो चुकी थी और उनकी इच्छा ड्राइविंग करने की भी होती थी और इसीलिए उन्होंने अपने पैसों से सेकंड हैंड कार खरीदी और चलाना सीखा। वो ब्रांड था प्लेमच। फिर क्या था, जब भी उन्हें समय मिलता तो वो बांद्रा की सड़कों पर अपने मन को खुश करने के लिए
कार लेकर निकल जाती और उनकी कार हवा से बातें किया करती थी। मीना के पढ़ने के शौक ने उन्हें इश्क से रूबरू करवाया था। एक दिन इंग्लिश मैगजीन पढ़ रही थी वो और कमाल अमरोही के बारे में वहाँ कुछ लिखा था। उस वक्त कमाल अमरोही की एक बड़ी फिल्म हिट हुई थी। फिल्म का नाम था महल और कमाल अमरोही का नाम चारों तरफ छाया हुआ था। डायरेक्टर के साथ वो एक प्रभावशाली लेखक और कवि भी थे। मीना ने उनके बारे में सुन तो रखा था पर कमाल अमरोही की फोटो मैगजीन में देखकर वो इतनी इम्प्रेस हुई कि उन्हें ऐसा लगा कि कमाल ही उनके सपनों के राजकुमार हैं। उम्र का कुछ तकाजा भी ऐसा था। मीना का मन सपनों में अमरोही के साथ उड़ान भरने लगा था। मीना कुमारी फिल्म तमाशा की उन दिनों शूटिंग कर रही थी और उनके साथ फिल्म में थे अशोक कुमार और देव आनंद। शूटिंग चल रही थी और एक दिन वहां लोकेशन पर पहुंच गए कमाल अमरोही और उनके सेक्रेटरी बाकर। अशोक कुमार ने बातों बातों में मीना कुमारी से मिलवा दिया कमाल अमरोही को, पर कमाल ने तो मीना की तरफ कोई नजर ही नहीं की और ना ही कोई जानकारी लेनी चाहिए और वापस लौट आए। रास्ते में उनके सेक्रेटरी बाकर ने कहा कि इस हीरोइन को हमें नजर में रखना चाहिए, शायद हम किसी फिल्म में इन्हें साइन कर पाए। उन्हीं दिनों कमाल अमरोही एक फिल्म के बारे में सोच रहे थे, वो फिल्म थी अनारकली। इस फिल्म में कमल कपूर और मधुबाला को साइन किया जा चुका था, पर मधुबाला तो दिलीप कुमार के साथ ही इस फिल्म में काम करना चाहती थी। वहीं मधुबाला के पिता ने तो ये तक कह दिया था कि फिल्म में निर्देशक बदल दो तो मेरी बेटी फिल्म में काम कर लेगी, और हश्र ये हुआ कि फिर मधुबाला ने ही फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया। अब एकदम से इस इनकार के कारण फिल्म के प्रोड्यूसर माखन लाल बहुत नाराज हो गए। तब कमाल अमरोही ने उनसे तुरंत वादा कर दिया कि अगली सुबह तक आपके स्टूडियो में हम नई हीरोइन के साथ पहुंच जाएंगे, और वो नई हीरोइन थी मीना कुमारी। कमाल अमरोही को उनका ख्याल आ चुका था। बाकर को रात ही में उन्होंने कह दिया कि जाकर मीना कुमारी के पिता से बात करें। जब ये बात अलीबख्श तक पहुंची तो उन्होंने तुरंत हाँ कर दी, क्योंकि वो विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि मेरी बेटी को इतना बड़ा प्रोजेक्ट बड़ी आसानी से मिलने जा रहा है। और वहीं जब मीना कुमारी को ये बात पता चली तो खुशी का कोई ठिकाना न रहा, क्योंकि वो वक्त ऐसा था जब ना तो कोई प्रोजेक्ट से उनको कोई सरोकार था और ना ही फीस से। वो तो इसी बात से खुश हो चुकी थी कि उनके सपनों के राजकुमार यानी कमाल अमरोही के साथ काम करने का मौका मिलने जा रहा है। फिर आई तारीख 13 मार्च सन 1951। सुबह सुबह मीना कुमारी अपने पिता के साथ स्टूडियो पहुंची और फिल्म साइन कर दी, और फीस तय हुई थी 15,000 रुपए। कमाल अमरोही एक्ट्रेस मिलने के साथ बड़े खुश हुए और फिर लोकेशन फाइनल करने के लिए दिल्ली की तरफ रवाना हो गए। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। मीना कुमारी को टाइफाइड हो गया और तकरीबन 3 हफ्तों तक वो बड़ी परेशानी से जूझ रही थी। टाइफाइड तो ठीक हो चुका था लेकिन बहुत ज्यादा कमजोरी फील करने लगी थी मीना, और उनका चेहरा भी बुखार की वजह से बड़ा मुरझाया सा नजर आता था। तब डॉक्टर ने अलीबख्श को सलाह दे दी थी कि मीना को अगर आप हिल स्टेशन पर ले जाएं तो वो जल्दी ठीक हो जाएंगी। हुआ भी ऐसा ही, पूरा परिवार महाबलेश्वर के लिए रवाना हुआ। वहां कुछ दिन रहने के बाद जब वो लौट रहे थे तब पूना के पास पहुंचते पहुंचते इनकी कार का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया। मीना को इस हादसे में बहुत सी चोटें भी आई थी, खास तौर पर उनके हाथ में काफी जख्म हो गए थे। अलीबख्श की तो बहुत सी हड्डियां ही टूट चुकी थी, लेकिन उनकी बहन मधु को मामूली चोटें आई थी। पूना के हॉस्पिटल में मीना कुमारी का परिवार भर्ती रहा। कमाल अमरोही उन दिनों दिल्ली में थे, उन्हें भी इस हादसे की खबर मिली। मीना कुमारी तो इस एक्सीडेंट से दिमागी तौर पर भी बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। उन्हें लगने लगा था कि उनकी चोटें अब कब सही होगी, क्या वो वापस पहले की तरह फिल्मों में काम कर पाएगी। और ऐसे में मीना कुमारी के चेहरे पर मुस्कान आई और खुशी का कोई ठिकाना ना रहा, क्योंकि हॉस्पिटल में उनसे मिलने पहुंचे उनके सपनों के राजकुमार कमाल अमरोही। उस वक्त कमाल अमरोही को मीना कुमारी की बहन मधु ने शिकायत की और कहा, देखिए मीना जूस भी नहीं पीती है। तब कमाल अमरोही ने अपने हाथों से मीना कुमारी को जूस पिलाया, और ये इनके प्यार की पहली शुरुआत थी जिसमें दोनों की ही रजामंदी नजर आने लगी थी। मीना कुमारी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि कमाल अमरोही उनसे उम्र में कई साल बड़े हैं और साथ ही शादीशुदा भी हैं और 3-3 बच्चों के पिता भी हैं। मीना कुमारी पूरी तरह से इश्क में डूब चुकी थी। दूसरी तरफ
कमाल अमरोही का दिल भी अपने काबू में ना था और वो हर हफ्ते बॉम्बे से पूना मीना कुमारी से मिलने चले आते थे और साथ ही दोनों के पास इतनी सारी बातें होती थी कि हफ्ते में एक दिन बात करने के लिए बहुत कम पड़ता था। दोनों ने फैसला कर लिया था कि वो रोजाना एक दूसरे को खत लिखेंगे और जब मुलाकात होगी तो एक दूसरे को उनके खत दे दिया करेंगे। जहां मीना कुमारी पहले तो हॉस्पिटल में अपनी चोटों से परेशान थी, अब दूसरी तरफ वो अपनी जिंदगी के सुनहरे दौर को जी रही थी। जैसा वो सोच रही थी वैसा ही होता जा रहा था। मीना कुमारी कमाल अमरोही को कमाल साहब कहकर पुकारती थी और एक दिन उन्होंने खुद ने कहा कि ये आपका नाम तो सबके लिए है, मेरे लिए क्या कुछ और नाम हो सकता है। तब कमाल अमरोही ने ही कहा था कि वो उन्हें चंदन कहकर बुला सकती हैं और बदले में मैं मीना की जगह तुम्हें मंजू नाम से पुकारूंगा। और इस तरह चंदन और मंजू के प्यार की शुरुआत हुई। एक दिन मीना कुमारी ने कमाल अमरोही से कहा कि क्या वो इस एक्सीडेंट के बाद भी उन्हें अपनी फिल्म में काम दे सकते हैं। तब कमाल अमरोही ने मीना कुमारी के हाथ पर लगे प्लास्टर पर लिखा अनारकली और ठीक उसके आगे बाद में लिख दिया मेरी। हॉस्पिटल का दौर 4 महीने चला और इन दोनों के मिलने का सिलसिला भी चलता रहा। मीना के ठीक होने के बाद फिल्म की शूटिंग भी शुरू हुई। दोनों शूट पर मिलते पर आपस में ज्यादा बात नहीं हो पाती थी, लेकिन दोनों बात तो करना चाहते थे, इसीलिए तरकीब निकाली गई। कमाल अमरोही ठीक 11:30 बजे रात को मीना कुमारी को फोन लगाया करते थे और मीना अपने कमरे में जाकर अमरोही से रात भर बात किया करती थी। प्यार का सुरूर ऐसा था कि रात 11:30 बजे से सुबह के 5:30 बज जाते थे और दोनों को पता भी नहीं चलता था। कमाल अमरोही को तो अपनी अनारकली मिल गई थी, लेकिन फिल्म अनारकली बीच में ही बंद हो गई। उसके पीछे कारण था फिल्म निर्माता माखन लाल जी के शेयर मार्केट में बहुत बड़े नुकसान का होना। फिल्म बीच में ही बंद हो गई और दोनों को एकदम से झटका लगा। कमाल अमरोही और मीना का प्यार तो परवान चढ़ ही चुका था। अब अमरोही इस प्यार के रिश्ते को एक नाम भी देना चाहते थे पर कुछ समझ नहीं पा रहे थे। ऐसे में उनके सेक्रेटरी और दोस्त बाकर से उन्होंने बात की। तब बाकर ने कहा कि मीना कुमारी से आपको शादी कर लेनी चाहिए। तब कमाल अमरोही ने बाकर से कहा जाकर मीना कुमारी की रजामंदी लेकर आइए। प्यार में डूबी मीना कुमारी को जब ये बात पता चली तो उन्होंने फौरन हाँ कर दी, लेकिन साथ ही उन्होंने ये चिंता भी बता दी कि उनके पिता अलीबख्श कभी भी इस शादी के लिए राजी नहीं होंगे। खुदा के लिए यहाँ से चले जाइए, अब्बा हुजूर ने देख लिया तो मुझे जिंदा दफन कर देंगे। तब बाकर ने मीना कुमारी से कहा कि वो कुछ ऐसा इंतजाम करेंगे जिससे अलीबख्श को कमाल अमरोही को अपना जवाई मानना ही होगा, बस तुम तैयार रहो। उस एक्सीडेंट में मीना कुमारी के हाथ की सबसे छोटी उंगली हमेशा के लिए टेढ़ी हो गई थी, पर मीना कुमारी बड़ी सफाई के साथ अपनी उस उंगली को कैमरे के सामने आने से बचा लिया करती थी। फिजियोथेरेपी के लिए मीना कुमारी के पिता अक्सर उनकी बहन मधु और मीना को अस्पताल छोड़ने जाते थे और ठीक 2 घंटे बाद उन्हें लेकर वापस आते थे। 14 फरवरी 1952 वैलेंटाइंस डे का वो दिन था। अलीबख्श को कुछ खबर भी नहीं थी। एक कार अस्पताल के बाहर मीना कुमारी और मधु का इंतजार कर रही थी। अलीबख्श दोनों ही बहनों को अस्पताल के बाहर छोड़कर चले गए और मीना कुमारी उस कार में आकर बैठ गई। वो कार सीधी जाकर रुकी एक काजी के पास और फिर काजी ने मधु के सामने मीना कुमारी का निकाह पढ़वाया और निकाह नामे पर सईद आमिर हैदर, कमाल अमरोही और महजबी के नाम से साइन हुए। कैसी शादी है ये? न किसी ने मंगल मनाया, न बारात आई, न शहनाई बजी। 14 बरस छोटी 20 साल की मीना कुमारी से 34 बरस के कमाल अमरोही की शादी हुई। मैंने अपना दीन ईमान सब कुछ आपको समझ लिया है। खुदा की कसम अगर आप न मिल सके तो मैं जिंदगी भर किसी और का मुंह नहीं देखूंगी। निकाह की रस्म खत्म होने के साथ ही दोनों ही बहनें क्लिनिक पहुंची और उसके बाद सीधा घर की तरफ चली गई। अलीबख्श को इस बात की कानो कान खबर भी नहीं थी कि मीना कुमारी का निकाह हो गया है। मुझे शक्ति दो प्रभु कि मैं अपनी शादी का ये राज छुपाए रखूं। वहीं मीना कुमारी की बहन मधु ने भी इस राज को न खोलने की बात कहती थी और वहीं मीना भी अपने निकाह के बारे में पिता को बताना नहीं चाहती थी क्योंकि उस वक्त वो ही अपने घर की कमाई का सबसे बड़ा साधन थी और वो ऐसे ही अपनी बहन और अपने
पिता को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। बड़ी बहन खुर्शीद की तो पहले ही शादी हो चुकी थी, लेकिन अपनी छोटी बहन और पिता के लिए वो कुछ ना कुछ इकट्ठा करना चाहती थी। उनका सोचना था कि जब वो 3 लाख रुपए इकट्ठे कर लेंगी तब जाकर ही अपने पिता को इस शादी के बारे में बताएंगी। उधर फिल्मी सफर में तमाशा फिल्म की शूटिंग लगभग पूरी होने वाली थी और वहीं मीना कुमारी को फुटपाथ और बैजू बावरा फिल्में भी मिल चुकी थीं और वो दोनों ही फिल्मों की शूटिंग में बहुत बिजी हो चुकी थीं। फिर 1952 में तमाशा फिल्म रिलीज हुई, लेकिन ये फिल्म बुरी तरह फ्लॉप साबित हुई और इसका असर सबसे ज्यादा मीना कुमारी पर पड़ा। उन्हें एक सुस्त अभिनेत्री की संज्ञा दे दी गई। मीना कुमारी इन बातों से बड़ी परेशान थी, लेकिन वो अपने चंदन से बात करके सब कुछ भूल जाया करती थी, लेकिन ये खुशी जैसे वो चाहती थी वैसे उन्हें नहीं मिली। मीना कुमारी चाहती थी कि एक दिन वो सबको बता देंगी कि उनकी शादी हो चुकी है, लेकिन ये बातें पहले ही सबको मालूम चल गई और उसके पीछे था इनका रसोईया। एक दिन इनके रसोइये ने कमाल अमरोही और मीना कुमारी की बातें सुन ली थी और फिर अली बख्श को उसने जाकर बता दिया। मीना कुमारी ने जैसा सोचा था उससे भी कहीं ज्यादा गुस्से में थे अली बख्श। उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनका खुद का खून उन्हें धोखा दे सकता है। क्यों? मुझे देखकर डर लग रहा है? और उस वक्त ये डर कहां चला गया था जब रात के अंधेरे में छिपकर शादी कर ली थी? आपको ये बात मालूम है? मुझे सब कुछ मालूम है और मैं ये भी जानता हूं कि इस रात की दुनिया को अभी खबर नहीं और न कभी होगी। तुम्हें कमल को भूल जाना होगा। मीना कुमारी से उन्होंने कई सवाल किए, पर मीना ने सारे सवालों के जवाब में चुप रहकर सिर्फ आंसुओं से अपने जवाब दिए। मैंने तुझे मोहब्बत के झूलों में लोरिया दी, मगर तूने जवान होकर मुझी को डस लिया, इस घर की इज्जत को डस लिया। मुझे माफ कर दीजिए अब्बा हुजूर, मुझसे जो भूल हुई है उसका हमेशा मैं जिंदगी भर भुगतूंगी। अपनी बेटी को माफ कर दीजिए अब्बा हुजूर। कैसी बेटी? अली बख्श को तो ये पक्का यकीन था कि 3 बच्चों के पिता कमाल अमरोही मीना कुमारी को कभी भी छोड़कर चले जाएंगे, इसीलिए अली बख्श ने मीना कुमारी पर तलाक लेने का दबाव डालना शुरू किया। पर मीना इस बात से बहुत परेशान होती चली गई। तब कमाल अमरोही ने मीना कुमारी से मिलकर उन्हें कहा कि अब शांत रहिए और अपने काम पर ध्यान दीजिए। और वैसे भी मीना कुमारी उस वक्त इतनी बिजी थी कि अली बख्श ने भी इस मुद्दे पर वापस बात तक नहीं की, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर मीना ज्यादा परेशान होगी तो वो शूटिंग ढंग से नहीं कर पाएगी। और अब मौत से भी सामना करना पड़ा मीना कुमारी को। बैजू बावरा फिल्म की शूटिंग चल रही थी, गीत था शूटिंग के दौरान मीना कुमारी को नाव चलानी थी। नाव वो चला ही रही थी कि एकदम से बहुत तेज और बड़ी लहर आ गई थी और नाव का संतुलन मीना कुमारी संभाल नहीं सकी और नाव डूब गई। कुछ ही फुट दूरी पर गहरा झरना भी बह रहा था। मीना को उस वक्त ऐसा लगने लगा कि वो आज नहीं बचेंगी। मीना कुमारी बहती जा रही थी और धीरे धीरे झरने के पास पहुंचती जा रही थी। डर के मारे मीना कुमारी ने आंखें बंद कर ली और वो लगभग डूब भी चुकी थी, पर यूनिट के लोगों की समझदारी की वजह से उन्हें समय पर बचा लिया गया। इस हादसे के साथ ही अली बख्श को वो नजूमी की भविष्यवाणी भी याद आई जिसमें बचपन में कहा गया था कि मीना को पानी और आग से दूर रखा जाए, इनसे इनकी मौत हो सकती है। लेकिन दूसरी ओर अली बख्श तो हमेशा हर शूटिंग पर मीना कुमारी के साथ रहा करते थे, पर आज तो वो उनकी शादी से इतने खफा थे कि उस बात पर ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया और इस बात का रिस्क भी जानबूझकर ले लिया गया, क्योंकि दूसरी तरफ एक स्वार्थी मन था और एक तरफ पिता का मन, लेकिन स्वार्थी मन पिता के मन पर भारी पड़ रहा था। इसीलिए उन्होंने ये सोच रखा था कि आगे से वो अपनी बेटी के साथ कोई भी ऐसा रिस्क नहीं लेंगे। मीना की परेशानी यहीं खत्म नहीं हुई। उनकी शादी की खबर अब कमाल अमरोही के घर तक भी पहुंच चुकी थी। अमरोही के लिए भी ये आसान नहीं था। उनके घर में ग्रह कलेश बढ़ने लगे। पत्नी बच्चों को लेकर गांव जाने की जिद करने लगी
वहीं फैमिली की तरफ से इतना दबाव पड़ने लगा कि कमाल अमरोही परेशान हो गए थे। उन्होंने इस परेशानी में मीना कुमारी को एक खत लिख दिया जिसमें उन्होंने कहा, हमें हमारे निकाह के बारे में एक बार फिर से सोच लेना चाहिए। मीना ने जब यह खत पढ़ा तो वो पूरी तरह से हिल गई। उन्होंने इस खत के जवाब में एक लेटर लिखा और कहा, मुझे लगता है कि आप मुझे समझते नहीं हैं और ना ही मैं आपको समझ पा रही हूँ। बेहतर होगा आप मुझे तलाक दे दें। तब कमाल अमरोही ने मीना कुमारी को लिख दिया कि तुम जब चाहे तब काजी साहब के पास जाकर इस रिश्ते को खत्म कर सकती हो। लेकिन मीना ने अब इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। अब फोन पे भी बातें बंद हो चुकी थीं, लेटर लिखना भी बंद हो गए थे। मैं जिंदगी के दोराहे पर खड़ी हूँ, मुझे सोचने का मौका दीजिए। अब मीना के जीवन में सिर्फ एक ही चीज रह गई थी, वो था काम, जो कि बखूबी वो बचपन से बिना शिकायत करते चली आ रही थी। बैजू बावरा की शूटिंग के समय एक वाकया ऐसा भी हुआ था कि जब भारत भूषण मीना की मासूमियत पे इतने फिदा हो गए थे कि उन्होंने मीना कुमारी को प्रपोज भी कर दिया था, क्योंकि बाहर के लोगों को तो मीना कुमारी की शादी के बारे में कुछ भी पता नहीं था, लेकिन मीना कुमारी ने बड़ी सादगी से भारत भूषण को इनकार कर दिया। तुम्हारे बगैर मेरी सरकम अधूरी, गहरी बातें ना किया कीजिए, डूब जाऊंगी। तुम तो तैरना जानती हो गौरी, डूबना तो मेरा काम है। डूबने वाला कभी कभी तैरने वाले को भी नहीं डूबता। बैजू बावरा का एक गीत भी बड़ा प्रसिद्ध हुआ था, मोहे भूल गए सांवरिया। उस वक्त मीना कुमारी की हालात जीवन में भी कुछ ऐसे ही थे कि उनके सांवरिया उन्हें भूल चुके थे और उनकी तरफ से कोई जवाब भी नहीं मिल रहा था। 5 अक्टूबर सन 1952 बैजू बावरा फिल्म रिलीज हुई और ऐसी हिट फिल्म साबित हुई कि तकरीबन 100 हफ्तों तक सिनेमाघर में चलती चली गई। नौशाद साहब के संगीत और मोहम्मद रफी साहब की बेहतरीन आवाज ने लोगों के दिलों को झंझोड़ कर रख दिया। दूसरी तरफ मीना कुमारी और भारत भूषण के अभिनय का जादू लोगों के सिर पर चढ़कर बोलने लगा। ये फिल्म मीना कुमारी के फिल्म के करियर में मील का पत्थर साबित हुई। अब हर तरफ बस मीना कुमारी के चर्चे थे, उनके अभिनय और खूबसूरती की बातें होने लगी थी। इस बात से मीना कुमारी भी बड़ी खुश थी, क्योंकि इससे पहले तमाशा फिल्म फ्लॉप होने की वजह मीना कुमारी को ही बताया जा रहा था, जो कि बिल्कुल सही नहीं था। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। बैजू बावरा के साथ ही मीना कुमारी स्टार बन गई, बधाइयों के तांते लगने लगे। और फिर एक बधाई तो ऐसी मिली जिसने मीना कुमारी को खुश कर दिया, वो थी उनके चंदन कमाल अमरोही की बधाई। कमाल अमरोही ने मीना कुमारी के काम की बड़ी तारीफ की। कमाल अमरोही की बातें मीना कुमारी के प्यार में सूखे दिल को फिर से हरा कर रही थी। कमाल अमरोही ने कह दिया, मैं इतने समय खाली नहीं बैठा था मीना, मुझे दुख है कि हमारी अनारकली फिल्म नहीं बन पाई, लेकिन मैं तुम्हें सोचकर एक स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ और जल्द ही हम उसमें काम करेंगे। वहीं मीना कुमारी का शेड्यूल उन दिनों बड़ा बिजी था। अली बख्श ने प्रोड्यूसर से बात करके नौलखा हार, दाना पानी, बैंक मैनेजर, इल्जाम और अमर जैसी कई फिल्मों में मीना कुमारी को साइन करवा लिया था। फिर आई 14 फरवरी, मीना कुमारी और कमाल अमरोही की शादी की पहली सालगिरह। उस वक्त मीना कुमारी अपने परिवार के साथ खंडाला में थी। उस दिन मीना कुमारी ने कमाल अमरोही को फोन किया और कहा, मैंने आपके तलाक वाले लेटर को फाड़ दिया है और मैं बिना किसी शिकवे के साथ आगे की जिंदगी आपके साथ ही जीना चाहती हूँ। लेकिन इस सालगिरह पर ये दोनों मिल नहीं पाए थे। दूसरी तरफ अली बख्श तो मन ही मन इस बात से बड़ा खुश थे कि मीना सफलता और काम के बीच इतनी बिजी हो चुकी है कि वो कमाल अमरोही को भूल गई है। और धीरे धीरे अली बख्श ने मीना का शेड्यूल और टाइट कर दिया। वहीं कमाल अमरोही ने मीना कुमारी को कह दिया कि मेरी फिल्म की स्क्रिप्ट और बाकी काम पूरे हो गए हैं, फिल्म का नाम मैंने दायरा रखा है, अब जल्द ही हमें इस फिल्म की शूटिंग करनी है। मीना कुमारी ने हाँ कर दी। लेकिन जब मीना ने अपने पिता अली बख्श को ये बात बताई तो वो आग बबूला हो गए। उन्होंने कहा, तुम्हारी डेट्स तो मैंने महबूब खान जैसे बड़े डायरेक्टर की फिल्म के लिए बुक कर रखी हैं। फिल्म का नाम है अमर और उसमें तुम्हारे साथ तो दिलीप कुमार जैसे बड़े एक्टर हैं। तुम कैसे मना कर सकती हो?
तुम्हें तो अमर फिल्म में काम करना ही पड़ेगा, और अगर कहीं तुम मेरे फैसले के खिलाफ जाकर कमाल अमरोही की फिल्म करोगी तो इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। मीना कुमारी इस बात से सहम गई और वो अमर फिल्म की शूटिंग करने के लिए राजी हो गई। लेकिन उनका मन तो दायरा की तरफ झुक रहा था। चार दिन तक तो उन्होंने अमर फिल्म की शूटिंग की, लेकिन पांचवे दिन उनके सब्र ने जवाब दे दिया। मन उचट गया, वो सीधा महबूब खान साहब के पास गई और बोली, मैं आपकी फिल्म में काम नहीं कर सकती। और उसी वक्त वो अपनी कार लेकर बॉम्बे टॉकीज चली गई और फिल्म दायरा की शूटिंग उन्होंने शुरू कर दी। अमर फिल्म की बात करें तो इस फिल्म में फिर मधुबाला को लिया गया था। मीना कुमारी ने दायरा की शूटिंग तो शुरू कर दी, लेकिन मन ही मन वो अली बख्श से डर भी रही थी। दूसरी तरफ वो दिल के हाथों मजबूर थी। मीना जब घर लौटी तो उन्हें अपने घर के दरवाजे बंद मिले। जब दरवाजा खटखटाया तब भी वो गेट नहीं खुला। उन्होंने अपने पिता को आवाज भी लगाई, अब्बा हुजूर, पर अली बख्श अपने फैसले पर अडिग थे। मधु ने भी कोशिश की कि पिता को मना लें, पर वो भी नाकामयाब रही। और अब अली बख्श ने मीना को फरमान सुना दिया, तुमने मेरा कहना नहीं माना, तुमने अपने ही मन की है। अब ये दरवाजा तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो चुका है। मीना कुमारी उस दरवाजे के बाहर काफी देर तक रोती रही और अपने पिता से माफी मांगती रही, लेकिन कई घंटों के बाद भी अली बख्श का दिल नहीं पसीजा। उन्होंने तो ये भी नहीं सोचा कि रात के 11 बजे हैं, आखिर मीना जाएगी कहाँ। रोते रोते मीना का आंचल आंसुओं से भर गया था, लेकिन अली बख्श का दिल अब भी नहीं पिघल रहा था। बचपन की तरह आज फिर से अली बख्श ने मीना को बेसहारा छोड़ दिया था, और इस बार तो उनके रोने की आवाज भी अली बख्श का दिल पिघलाने में नाकामयाब रही। आखिरकार मीना रोते रोते अपनी कार में बैठ गई और सीधा बॉम्बे टॉकीज की तरफ रवाना हो गई, क्योंकि उस वक्त कमाल अमरोही वहां शूटिंग कर रहे थे। रास्ते में टेलीफोन पर मीना कुमारी ने कमाल अमरोही को सारी बातें बता दी। हेलो हेलो, और कह दिया कि आज मैं अपने ससुराल आ रही हूँ। कमाल इस बात से बड़े खुश हुए और फिर उन्हें अपने घर ले आए। रास्ते में कमाल अमरोही ने कहा, अगर तुम इतनी अचानक नहीं आती तो मैं तुम्हारे आने की जबरदस्त तैयारी करता। इस पर मीना कुमारी ने कहा था कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरी आने की तैयारी आपने की या नहीं की, मुझे तो बस आपका साथ ही जन्नत का एहसास करवाता है। मीना कुमारी और कमाल अमरोही की ये बात अब जगह जगह आग की तरह फैल गई। सब अखबारों की सुर्खियों में मीना कुमारी और कमाल अमरोही की शादी की खबरें थी। कोई भी इस बात का विश्वास नहीं कर रहा था कि 1.5 साल तक मीना कुमारी ने शादी को छुपा कर रखा, और मीना कुमारी जैसी एक भोली भाली लड़की अकेले अपने बूते शादी का फैसला ले सकती है। अब अली बख्श ने मीना कुमारी से हर तरह से रिश्ता तोड़ लिया था, वो उनकी फिल्मों के काम से भी दूर हो चुके थे। अली बख्श ने मीना कुमारी का निजी सामान, उनके कपड़े वगैरह मधु के हाथों मीना के पास भिजवा दिए। ये इस बात का संकेत था कि अब पिता के घर में बेटी की कोई जगह नहीं है। वहीं अब बाकर अली और कमाल अमरोही ने अली बख्श की जिम्मेदारी ले ली, यानी मीना कुमारी की शूटिंग डेट्स और शेड्यूल सभी का ध्यान बाकर अली और कमाल अमरोही रखते थे। और कुछ ही महीनों में फिर मीना कुमारी ने अपनी सारी फिल्मों की शूटिंग पूरी कर ली। ये फिल्में थीं फुटपाथ, परिणीता, दायरा, दाना पानी और नौलखा हार जैसी कुछ फिल्में। जब उनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया कि एक साथ उन्होंने सभी फिल्मों की शूटिंग को कैसे पूरा कर लिया, तब मीना कुमारी ने मुस्कुराते हुए कहा था, सुबह से आधी रात तक काम करती रहती हूँ, इसी वजह से मेरे हिस्से की शूटिंग मैंने जल्दी पूरी कर दी। मीना कुमारी की एक के बाद एक फिल्में आती चली गईं। कमाल अमरोही से शादी करके मीना के जीवन में खुशियां तो आ गई थीं, लेकिन जिंदगी में काम कम नहीं हुआ था। और वैसे भी उन्हें तो बचपन से काम करने की इतनी आदत हो चुकी थी कि वो ना तो किसी से इसकी शिकायत करती थी और ना ही काम से परेशान होती थी। मीना तो अपने जिंदगी के खालीपन से परेशान थी और उन्हें बस प्यार चाहिए था, और वो कमाल अमरोही से मिलने लगा था। मीना कुमारी अपने पति को इतना चाहती थी कि उन्होंने कमाल अमरोही को खुद से अलग कभी समझा ही नहीं। मीना जी ने तो कभी भी अपने कमाए हुए पैसों तक का हिसाब नहीं रखा था। पहले उनके पिता अली बख्श हिसाब रखते थे और अब पति कमाल अमरोही।
मीना कुमारी तो यही कहती थी कि मुझे पैसों का हिसाब रख के क्या करना है, मुझे तो बस काम करना है। मीना कुमारी दिल की इतनी अच्छी थी कि उनका कभी भी किसी से बैर भी नहीं हुआ, ना कोई झगड़ा हुआ। नजाकत से बोलना और अपने काम पे तल्लीनता से ध्यान देना उनकी बहुत बड़ी खूबी थी। मीना कुमारी दिन ब दिन प्रसिद्ध होती जा रही थी। हिंदुस्तान लीवर, डालडा, लक्स साबुन ऐसे कई एड में वो नजर आने लगी और उन दिनों लक्स साबुन के एड में आना एक सम्मान की बात मानी जाती थी और अपने अपने वक्त की हर बड़ी एक्ट्रेस ने उस सोप के एड में काम किया है। मीना कुमारी ने एक इंटरनेशनल एड भी किया। अशोक कुमार के साथ मीना कुमारी यूके के एक एड ड्रीम हाउस में भी नजर आई थी। You must be Meena Kumari. Yes, I have come to meet Ashok Babu. What a wonderful house Ashok Kumar has. It is very beautifully decorated. Hello, Meena. So you've come. Yes, we are shooting tomorrow and here is the dialogue. Excuse me. We were talking about our picture, Buddy Neeta. Today, everyone can afford Dunlop Villa. अब आया साल 1954 और तारीख 21 मार्च। पहला फिल्म फेयर अवार्ड का फंक्शन था और इस पहले फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता मीना कुमारी ने। फिल्म का नाम था बैजू बावरा और इसी के साथ मीना कुमारी पहली बॉलीवुड की वो अभिनेत्री बनी जिन्हें फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया। और खास बात ये भी रही कि पहला बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला था बिमल रॉय को फिल्म दो बीघा जमीन के लिए और इस फिल्म में भी मीना कुमारी थी। मीना कुमारी ने अपने करियर की पहली और आखिरी बार अगर मेहमान कलाकार की भूमिका किसी फिल्म में निभाई तो वो यही फिल्म थी। बोल क्या लिखना है? तुम जो ठीक समझो वो लिख दो। दूर, तू अपने घर वाले को क्या लिखना चाहती है ये मैं कैसे जान सकती हूँ? 1954 में एक और फिल्म आई थी जिसका नाम था चांदनी चौक। ये भी बड़ी सफल फिल्म साबित हुई। मेरी बदनसीबी है अम्मी के ना मायके में खुशी छोड़कर आई ससुराल में खुशी। 1954 में आई फिल्म आजाद की शूटिंग चल रही थी और इस फिल्म की शूटिंग के समय तीन ऐसे वाकये हुए जिसमें दो तो डरा देने वाले थे और एक खुश कर देने वाला था। आजाद फिल्म की शूटिंग के दौरान मीना कुमारी और दिलीप कुमार को रोपवे में एक ट्रोले पर बैठना था। सीन शूट हो रहा था लेकिन बात ये थी कि दो ही जनों के बैठने की वहाँ जगह होती है लेकिन उस पर कैमरा भी सेट कर दिया गया। अब ट्रोले का बैलेंस बिगड़ने लगा और इतना बिगड़ा कि मीना कुमारी बड़ी डर सी गई और ऐसे में दिलीप कुमार ने मीना कुमारी को संभाला क्योंकि नीचे तकरीबन 200 मीटर की गहरी खाई थी और ये डरा देने के लिए काफी था। और अब दूसरे वाकये की बात करें तो फिल्म की शूटिंग चल रही थी रामेश्वर और चंबल घाटियों की तरफ और इस फिल्म की शूटिंग के दौरान कमाल अमरोही भी मीना कुमारी के साथ थे। अब कमाल अमरोही के मन में ये कसक उन दिनों चल रही थी कि अनारकली फिल्म मैं नहीं बना पाया और ऐसे में वहीं एक स्क्रिप्ट का जन्म हुआ और वो स्क्रिप्ट थी पाकीज़ा की। जब इस फिल्म की बात मीना कुमारी से उन्होंने की तब मीना कुमारी बड़ी खुश हो गई। तीसरा वाकया ये हुआ, शूटिंग पूरी होने के बाद कमाल अमरोही ने मीना कुमारी से कहा आओ कहीं घूमने चलते हैं और वो खुद की कार में मीना कुमारी को लेकर निकल पड़े। चंबल की घाटियों में घूम रहे थे और गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया और वहाँ उस समय एक डाकू का बड़ा बोलबाला था जिसका नाम था अमृत लाल। वहाँ के लोग तो इस बात से वाकिफ थे लेकिन मीना कुमारी और कमाल को तो ये पता ही नहीं था। पेट्रोल जैसे ही खत्म हुआ कुछ डाकुओं ने इनकी गाड़ी को घेर लिया और आवाज लगाई जो भी गाड़ी में है वो बाहर आ जाए। जब मीना कुमारी और कमाल अमरोही बाहर निकले तो डाकू अमृत लाल ने मीना कुमारी को पहचान लिया क्योंकि वो मीना कुमारी का बहुत बड़ा फैन था। उसने बड़ी शालीनता से मीना से वहां आने की वजह पूछी। जब मीना कुमारी ने बताया कि हमारी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया तब अमृत लाल ने कहा कि 20 किलोमीटर तक तो कोई पेट्रोल पंप नहीं है और सुबह होने से पहले मैं इस पेट्रोल का इंतजाम कर दूंगा पर अभी तो कुछ भी नहीं हो सकता, आप मेरे साथ मेरे अड्डे पर चलिए। उस वक्त दोनों के पास डाकू की बात मानने के अलावा कोई दूसरा चारा भी नहीं था। वहाँ अमृत लाल ने अपने हिसाब से उन दोनों की बड़ी खातिर तवज्जो की और खाने का इंतजाम भी किया। फिर डाकू अमृत लाल ने मीना जी के आगे अपना बाजू कर दिया और एक चाकू देते हुए कहा कि इस पर आप अपना नाम लिख दीजिए। मीना इस बात से घबरा गई पर डाकू जिद पर अड़ा रहा। अब डाकू ने कहा कि मीना जी
फिल्मों में जब किसी के लग जाती है तब आप दुपट्टा फाड़ कर बांधती हैं। आप वैसे ही मेरे हाथ पर अपना दुपट्टा बांध दीजिए। तब मीना कुमारी ने अपना दुपट्टा फाड़ा और डाकू के हाथ पर बांध दिया। डाकू अमृतलाल ने कहा, अब तो आप मेरी बहन बन गई हो, क्या आप अपने भाई की पहली और आखिरी इच्छा पूरी नहीं करोगी? लीजिए चाकू, अब आप मेरी बाजू पर नाम लिख दीजिए। मीना कुमारी उसकी बाजू पर नाम लिख रही थी। डाकू की बाजू से खून निकल रहा था और मीना जी की आंखों से आंसू। सुबह होते ही फिर मीना जी की गाड़ी में पेट्रोल भरवा दिया गया। अब मीना जी कमाल के साथ गाड़ी में बैठकर जाने लगी तो अमृतलाल ने उन्हें गहने और पैसे विदाई के रूप में दिए। तब मीना कुमारी ने शगुन का एक नोट लेकर सब कुछ वापस अमृतलाल को लौटा दिया और कहा कि मैं अपने भाई से बस विदाई में एक नोट ही लूंगी। जब कमाल अमरोही और मीना कुमारी शूटिंग पर वापस लौटे और सबको ये बात बताई तो हर कोई हैरान हो गया। फिर आया साल 1955 और अब लगातार दूसरी बार मीना कुमारी ने जीता बेस्ट एक्ट्रेस फिल्म फेयर अवार्ड। फिल्म थी परिणीता, जिसमें अशोक कुमार के साथ बेहतरीन अदायगी की मीना कुमारी ने। दूसरा फिल्म फेयर अवार्ड मिलने वाला पल मीना कुमारी के जीवन में बेहद खुशी का पल था। सफेद गाड़ी और सफेद फूलों को बालों में लगाकर मीना जी अवार्ड लेने पहुंची। चांदनी की तरह खूबसूरत मीना जी जब अवार्ड लेने पहुंची तब उस वक्त उन्होंने कहा था कि ये सब कुछ सपने की तरह लग रहा है और इस अवार्ड को पाने से मैं बहुत खुश हूँ। उस फंक्शन में कमाल अमरोही भी साथ आए हुए थे। अवार्ड लेने जब मीना जी स्टेज पर गई थीं तो वो अपना पर्स कुर्सी पर ही भूल गई थीं। कमाल अमरोही ने देख तो लिया था पर उस पर्स को उठाने की जहमत नहीं उठाई। खुशी में मीना कुमारी भी पर्स के बारे में बिल्कुल भूल चुकी थी। अब अगले दिन मीना कुमारी के जानने वालों ने मीना कुमारी तक वो पर्स पहुँचाया। तब मीना कुमारी ने कहा, आप तो मेरे पास बैठे थे, आपने ये पर्स नहीं देखा? कमाल अमरोही ने कहा, हाँ मैंने तुम्हारा पर्स देखा था, लेकिन आज अगर तुम्हारा पर्स उठाता तो कल तुम्हारे जूते भी उठाने पड़ते। मीना कुमारी को ये बात सुनकर बड़ा अजीब सा लगा पर इस बात पर उन्होंने ज्यादा गौर नहीं किया, क्योंकि प्यार में डूबी हुई मीना कुमारी को बहुत सी बातों का एहसास होकर भी नहीं होता था। लेकिन अब कमाल अमरोही के साथ खाली समय में ताश खेलना, फिल्में देखना, ये दिन ब दिन कम होता जा रहा था। अब इनके रिश्ते में भी हल्की सी खींचतान आने लगी थी, जिसकी वजह मीना कुमारी का बिजी शेड्यूल बताया जाने लगा। ये भी बात सही है कि प्यार की मजबूत डोर इस खींचतान से कमजोर पड़ने लगी थी। फिर एक दिन कमाल अमरोही ने मीना से कह दिया कि तुम्हें अपनी जिंदगी में कुछ शर्तों को लागू करना होगा। पहली शर्त, तुम घर आने के बाद सिर्फ मजहबी होगी, मीना कुमारी नहीं, यानी वो एक आम महिला की तरह घर की जिम्मेदारी उठाए। दूसरी बात थी, आप हर शाम 6:30 बजे तक घर आ जाएंगी और सिर्फ अपनी ही कार में बैठेंगी। और तीसरी शर्त ये कि आपके मेकअप रूम में मेकअप मैन के अलावा कोई और नहीं होगा। समझने के लिए ये दो शर्तें तो सही लगी, पर मेकअप रूम में किसी के आने की मनाही और सिर्फ अपनी कार में ही बैठना, वो भी ड्राइवर के साथ जो शूटिंग पर ले जाएगा भी और घर लेकर आएगा, ये किस बात की ओर संकेत था? ये कौन सी पाबंदी थी? क्या मीना कुमारी को खुद को सही साबित करने के लिए इन शर्तों को मानना पड़ता? पर मीना कुमारी ने आखिरकार कुछ भी नहीं कहा और उन शर्तों वाले कागज पर साइन भी कर दिया और हमेशा की तरह फिर अपने काम में लग गई। भगवान, क्या तूने मुझे इसीलिए दुनिया में भेजा है? तेरी यही मर्जी है तो यूं ही सही। शायद बलिदान, कुर्बानी और तपस्या का ही दूसरा नाम औरत है। फिर साल आया सन 1955, फिल्म आजाद सुपर डुपर हिट रही और उस साल सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। मीना कुमारी की सफलता का मकाम दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। फिर आया साल 1956, मीना कुमारी की जिंदगी का गोल्डन ईयर। इस साल एक के बाद एक सुपर डुपर हिट फिल्मों का तांता लग गया। मेम साहब फिल्म में ये पहली बार शम्मी कपूर के साथ सिल्वर स्क्रीन पर नजर आईं। इनके आधुनिक अवतार को लोगों ने बड़ा पसंद किया और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। जिस स्त्री को आपने पुस्तकों में पढ़ा है वो पुस्तकों में ही रहती है, शहरों में। मीना कुमारी की अगली फिल्म पुनर्विवाह के मुद्दे पर थी। फिल्म का नाम एक ही रास्ता। अशोक कुमार और सुनील दत्त इस फिल्म में इनके साथ थे। बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म हिट साबित हुई और 25 हफ्ते तक चली। फिल्म को मिला जुबली हिट का टैग।
और हेमचंद के निर्देशन में बनी फिल्म बंधन में मीना कुमारी प्रदीप कुमार के साथ नजर आई। ये फिल्म बंगाली उपन्यास पर आधारित थी। इस फिल्म को मिला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट। और इसी साल मस्त मौला किशोर कुमार के साथ फिल्म रिलीज हुई नया अंदाज। ये फिल्म एक म्यूजिकल हिट फिल्म साबित हुई। 1954 में ही डीडी कश्यप की हलाकू फिल्म आई। ये एक ऐतिहासिक फिल्म थी जिसमें मीना कुमारी ने मीनू मुमताज और प्राण के साथ काम किया। ये फिल्म भी सुपर डुपर हिट रही। इस फिल्म ने भी सिल्वर जुबली की थी। एक ही साल में इतनी सारी सुपरहिट फिल्में मीना कुमारी को एक अलग मकाम पर ले गई। हर कोई उनका दीवाना हो गया। जब लोग इस नायिका को पर्दे पर देखते थे तो सोचते थे कितनी सुंदर और एकदम जापानी डॉल की तरह लगती है मीना कुमारी। दर्शकों का मीना कुमारी को भरपूर प्यार मिला। वो सोचते थे मीना कुमारी कितनी खुशकिस्मत है कि उन्हें दौलत शोहरत सब कुछ हासिल है। लेकिन दूसरी तरफ मीना कुमारी तो कहां खुश थी। उन पर तो कई पाबंदियां थी, कई शर्तें वो निभा रही थी जो कि कमाल अमरोही ने उन पर लगाई थी। और मीना कुमारी नाखुश इसलिए भी थी कि उन्हें यकीन दिलाया जा रहा था कि उनकी जिंदगी से अब प्यार कम हो रहा है। पारिवारिक जिंदगी की बात करें तो हर औरत की तमन्ना होती है कि वो माँ बने। ऐसी ही इच्छा मीना की भी थी। मीना प्रेग्नेंट भी हुई थी पर किसी प्रॉब्लम के चलते उनका अबॉर्शन हो गया था। पर मीना की किस्मत तो देखिए, जहाँ लोगों ने ये कहा कि कमाल अमरोही नहीं चाहते थे कि वो इस सफलता के दौर में माँ बनकर अपने करियर को दाव पर लगाए, वहीं कमाल अमरोही का ये कहना था कि मीना अपने करियर को माँ बनकर ब्रेक नहीं लगाना चाहती थी। किसकी बात सच समझें और किसकी नहीं। खैर, इस दुख की घड़ी में मीना जी को यही सब कुछ सुनना पड़ा। सच्चाई क्या थी किसे पता, लेकिन ये बात सच है कि मीना जी तो दो बार प्रेग्नेंट हुई थी पर वो माँ नहीं बन पाई और दोनों ही बार उन्हें अबॉर्शन के दर्द से गुजरना पड़ा था। हईद का कभी तो कभी चौदहवीं का चांद निखरा ये बार बार तमन्ना लिए हुए। फिल्म शारदा। शारदा में भी ये चांद दो मोहब्बत करने वाले दिल की पुकार बनकर चमका। एलवी प्रसाद की निर्देशित फिल्म थी शारदा। राज कपूर और मीना कुमारी के अभिनय से ये फिल्म सजी थी। किरदार बहुत टफ था, कई अभिनेत्रियों ने इसके लिए मना कर दिया था, तब मीना कुमारी ने इस रोल को करने के लिए हाँ भरी थी। एक दिन फिल्म की शूटिंग के बाद राज कपूर के साथ मीना कुमारी एक पार्टी में चली गई और घर आकर उन्होंने इसका जिक्र कमाल अमरोही से नहीं किया। पर पार्टी में आए और लोगों ने जब मीना का वहाँ होना बताया तो कमाल इस बात से काफी नाराज हुए। बहुत से लोग मीना कुमारी और कमाल अमरोही को एक दूसरे के खिलाफ भड़काया भी करते थे। वहीं जब अभिनेता प्रदीप कुमार ने एक बहुत ही चमचमाती विदेशी कार खरीदी थी तो मीना कुमारी को उसमें घूमने के लिए कहा था। मीना कुमारी को भी गाड़ियों से बड़ा प्यार था। वो प्रदीप कुमार की गाड़ी में बैठकर थोड़ी देर घूम आई और फिर टैक्सी से घर लौट आई और इस बात का भी बहुत बड़ा इशू बना था। लेकिन मीना कुमारी के लिए तो ये बातें बड़ी नॉर्मल थी, उनका दिल पाक था। वहीं कमाल अमरोही चाहकर भी इन बातों को इग्नोर नहीं कर पा रहे थे। सन 1957 शारदा फिल्म रिलीज हुई और बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला मीना कुमारी को। इसी के साथ ही फिल्म उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी बनी। फिर जेमिनी गणेशन के साथ एक कॉमेडी फिल्म में मीना कुमारी नजर आई। फिल्म का नाम था मिस मैरी। ये भी हिट फिल्म थी। मीना कुमारी अब स्टार बन चुकी थी। उनका फिल्म में होना ही सफलता की गारंटी माना जाता था। मीना कुमारी के बिजी शेड्यूल में से वक्त निकालना बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी टाइम निकालकर उन्होंने पाकिजा फिल्म की शूटिंग की। ये फिल्म उस वक्त ब्लैक एंड व्हाइट में शूट हो रही थी और दूसरी तरफ पर्सनल लाइफ भी मीना कुमारी की ब्लैक एंड व्हाइट होती जा रही थी। छोटी अम्मी बनकर मीना कुमारी ने कमाल अमरोही के बच्चों को बहुत प्यार दिया और बच्चे भी मीना कुमारी को बहुत पसंद करते थे। लेकिन मंजू और चंदन के प्यार के रास्ते अब खुरदरे होने लगे थे। सन 1958 मीना कुमारी की फिल्म यहूदी ने कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। फिल्म सहारा के लिए फिल्म फेयर अवार्ड में नॉमिनेशन मिला। मैं अंधी हूं। और वहीं सन 1959 में भी एक बड़ी हिट फिल्म रिलीज हुई। फिल्म का नाम था चिराग कहां रोशनी कहां। इनके साथ थे राजेंद्र कुमार। सन 1960 तो मीना कुमारी को ट्रेजेडी क्वीन बना गया। इस साल दो फिल्में रिलीज हुई जिन्होंने इन्हें ट्रेजेडी क्वीन बनाया।
कमाल अमरोही की फिल्म दिल अपना और प्रीत पराई। इस फिल्म को दर्शकों ने बहुत प्यार दिया। ये फिल्म हिट साबित हुई। दिल अपना और प्रीत पराई फिल्म में भी एक घुटी घुटी औरत की तस्वीर थी। ये मेरा दिल पसंद किरदार था। इस फिल्म का आखिरी सीन जब फिल्माया जा रहा था तो अच्छी खासी बहस हो गई। वो लोग कहते थे कि दो औरतें एक दूसरे का सामना नहीं कर सकती, दोनों को एक दूसरे का सामना करना चाहिए। इसलिए कि सच से बड़ा कोई फर्ज नहीं। वो लोग पहले तो बहुत झगड़े, लेकिन आखिर वही हुआ जो मैं कहती थी और फिल्म यादगार बन गई। और फिर दिलीप कुमार और मीना कुमारी की फिल्म रिलीज हुई। इनके गहन चरित्रों ने दोनों को ही ट्रेजेडी क्वीन और ट्रेजेडी किंग की उपाधि दिलवा दी। ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार और ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी। कोहिनूर फिल्म की याद आते ही एक अजीब सी गुदगुदी होने लगती है। ये एक मजाहिया फिल्म थी और दिलीप साहब इसमें मेरे साथ काम कर रहे थे। दिलीप साहब एक बहुत बड़े कलाकार हैं, लेकिन मुझे हमेशा इनसे शिकायत रही कि जब भी उन्होंने मेरे साथ काम किया, ऐसी ही फिल्मों में काम किया कि जो मजाहिया हूँ, कोई संजीदा कोई गमगीन रोल करने का मौका ही नहीं दिया। गुरुदत्त साहब बीवी और गुलाम फिल्म बनाने की सोच रहे थे। उनके जहन में छोटी बहू के किरदार के रूप में थी मीना कुमारी, पर डेट्स के चलते पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। इसके बाद गुरुदत्त ने बहुत सारी लेडीज के ऑडिशन लिए, पर उन्हें कोई भी कैरेक्टर में पसंद नहीं आई। आखिरकार ये फैसला लिया गया कि जब मीना कुमारी जी की डेट्स फ्री होगी तभी फिल्म बन पाएगी। और मीना कुमारी के लिए गुरुदत्त को एक साल तक लंबा इंतजार करना पड़ा था। और वहीं मीना कुमारी भी खुद ये रोल निभाना चाहती थी, क्योंकि वो अपनी आदर्शवादी आत्मबलिदान की छवि को तोड़कर एक नई छवि पेश करना चाहती थी। और ये रोल मीना कुमारी ने एक चैलेंज की तरह लिया, क्योंकि इस रोल में उन्हें एक शराबी औरत का किरदार निभाना था, जो कि अपने को एक्टर के साथ जाम से जाम टकराती और पीती हुई नजर आती है। अब पियो भी। कड़वी है। मीना कुमारी ने इस फिल्म की शूटिंग के वक्त कहा था कि जब इस किरदार को समझकर मैं शूटिंग कर रही हूं, तो ऐसा लग रहा है कि मैं पहली बार कैमरा फेस कर रही हूं। साथ ही मीना ने यह भी कहा, इस किरदार छोटी बहू ने मुझे बहुत परेशान कर दिया है। छोटी बहू के कलेश, छोटी बहू की चाहतें, छोटी बहू की मजबूरी, छोटी बहू के दुख, ओह ये छोटी बहू। मुझे छोटी बहू कह सकते हो? अक्सर मैंने अपने आप को घुटा घुटा ही पाया है, और या तो बिल्कुल बागी। साहब बीवी और गुलाम फिल्म की छोटी बहू मेरी हमजाद थी, जो मुझे बहुत ही पसंद है। मैंने उसे बहुत बहुत प्यार किया है। जब पहली बार मुझे मालूम हुआ कि पिक्चर फेल होगी, तो मुझे महसूस हुआ मेरी कोई बहुत अजीज बहुत प्यारी सहेली सीढ़ियों से गिरकर जख्मी हो गई। और जब मुझे इसी फिल्म पर अवार्ड मिला, तो मेरी समझ में नहीं आया कि मैं उसे कहाँ संभालूं, किसे दिखाऊं। ये गाना इस फिल्म का बहुत मशहूर हुआ था। इसी छोटी बहू के किरदार को निभाने के लिए मीना कुमारी ने पहली बार कमाल अमरोही से मदद मांगी थी। उन्होंने पूछा था, मुझे बताइए कि शराबी का किरदार कैसे निभाया जाए, मैं ये नहीं जानती। लेकिन उस वक्त कमाल अमरोही ने कुछ और ही कह दिया। उन्होंने तो शारदा और परिणीता में मीना कुमारी की बहुत तारीफ करते हुए कहा, तुम बहुत अच्छा एक्ट करती हो, लेकिन छोटी बहू के किरदार को कैसे निभाया जाए, कैसे शराबी औरत बना जाए, इस बारे में कुछ नहीं बताया। पीनी ही पड़ेगी। वो चाहते हैं कि मैं शराब पियूं, जरूर पियूंगी। खोखले होते हुए वैवाहिक रिश्ते मीना कुमारी के दिल में दुख का घरौंदा बना रहे थे। वो किसी से कुछ भी नहीं कहती थी, दुखी दिल पर बस हंसी का पर्दा डाले रहती और काम करती रहती थी। यहाँ ये भी गौरतलब है कि मीना कुमारी ने कभी भी सिल्वर स्क्रीन पर रोने के लिए ग्लिसरीन का यूज नहीं किया। वो जब भी एक्टिंग करती थी तो उनके वो रियल आंसू हुआ करते थे, क्योंकि वो दिल से रोया करती थी। एक बार का किस्सा ये है कि जब छोटी बहू के किरदार में इन्हें रोने का सीन करना था, तब सीन तो ओके हो गया, डायरेक्टर ने कट भी कह दिया, पर मीना कुमारी लगातार रोती रही, क्योंकि अब मीना कुमारी रो रही थी, ना कि वो किरदार।
छोटी बहू के दर्द का सीन तो कट हो चुका था, पर मीना के दिल का नहीं हुआ था। वो अपने मेकअप रूम में जाकर उस दिन घंटों तक रोती रही थी। एक ऐसी औरत जो सुबह से शाम तक लगातार काम करे, घर आने पर एक अच्छी बेगम की तरह सारी जिम्मेदारी निभाए, ऐसी थी मीना कुमारी। फिर भी उनकी पर्सनल लाइफ में कड़वाहट बढ़ती जा रही थी। तुमने मुझे पागल कमाल अमरोही और मीना कुमारी के झगड़ों की वजह वैसे तो बहुत सी थी, पर एक वजह बनी थी ठंडी रोटियां। ये उस वक्त की बात है जब मीना कुमारी छोटी थी, तब उनकी माँ काम पर जाया करती थी। इसके चलते वो सभी बच्चों के लिए जल्दी ही रोटियां बनाकर चली जाती थी। जब बेबी मीना शूटिंग से लौटती थी तो वो ठंडी रोटियां खा लेती थी। बचपन की वो ठंडी रोटियों वाली मजबूरी अब मीना कुमारी की आदत बन चुकी थी। उन्हें ठंडी रोटियां खाना बड़ा पसंद था, लेकिन इस बात पर कमाल अमरोही बड़ा गुस्सा किया करते थे। उनका कहना था कि जब घर में गर्म खाना मौजूद है तो बासी रोटी क्यों खाती हो। इस पर मीना कुमारी कहा करती थी, क्या मेरा जो मन है मैं वो खा भी नहीं सकती? जो मैं चाहती हूँ वो मुझे क्यों नहीं मिलता है? आप समझते हैं मैं बनती हूँ? ये मैं नहीं जानता। तो क्या मैं अपनी जान देकर इस किस्से को खत्म करूँ? कैसी बातें करती हूँ। साल 1962 में एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था मैं चुप रहूंगी। इस फिल्म में मुख्य भूमिका के रूप में सुनील दत्त और मीना कुमारी थे। इस फिल्म की शूटिंग जब मद्रास में चल रही थी, तब नरगिस भी अपने बच्चों को लेकर सुनील दत्त के साथ आई हुई थी। फिल्म के सेट पर नरगिस और मीना कुमारी की अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। मीना कुमारी नरगिस को बाजी कहकर बुलाने लगी थी। वहीं नरगिस ने बताया था कि एक दिन मीना कुमारी को होटल के गार्डन में मैंने घूमते हुए देखा। तब मैंने पूछा था कि मीना तुम इतना हांफ रही हो फिर भी घूम रही हो, क्या बात है? तब मीना ने कहा था, बाजी मैं तंबाकू खाती हूँ ना, इसीलिए मुझे घबराहट हो रही है। तब नरगिस ने कहा था, ये तंबाकू की घबराहट नहीं है, तुम बहुत ज्यादा थकी हुई लग रही हो, कुछ देर आराम क्यों नहीं करती हो? इस पर मीना ने कहा था, बाजी मेरी किस्मत में आराम कहाँ, मैं तो केवल एक ही बार आराम करूंगी। वहीं एक दिन सुनील दत्त और नरगिस डिनर पर जा रहे थे। मीना को भी चलने के लिए कहा गया, पर मीना ने मना कर दिया। ऐसे में नरगिस और सुनील दत्त ने दोनों बच्चों को आया के पास छोड़ा और डिनर पर चले गए। मीना कुमारी तुरंत बच्चों के पास गई और उनका ख्याल रखने लगी। उन्होंने बच्चों को दूध पिलाया और उनकी नैपी भी बदली, फिर अपने पास ही सुला लिया। नरगिस जब उनके रूम में पहुंची तो मीना कुमारी से उन्होंने पूछ लिया, तुम बच्चों को इतना प्यार करती हो फिर तुम खुद क्यों बच्चे नहीं करती हो? इसका जवाब मीना कुमारी ने बड़ी खामोशी के साथ सिर्फ आंसुओं से दिया। और ये इस बात का सबूत था कि मीना कुमारी तो चाहती थी कि मैं माँ बनूं। ऐसा कुछ भी नहीं था कि करियर के लिए वो माँ नहीं बनना चाहती। ये सब उन पर सरासर गलत इल्जाम लगाए गए थे। इसके बाद जब बच्चों को लेकर नरगिस अपने कमरे में आ गई, तब मीना कुमारी के कमरे से चिल्लाने और झगड़ने की आवाजें उन्हें सुनाई देने लगी। सुबह जाकर पता चला कि आज मीना कुमारी शूटिंग पर नहीं आएंगी, उनकी तबीयत खराब है। जब नरगिस उनका हाल पूछने गई तो मीना कुमारी की आंखें बहुत ज्यादा सूजी हुई थी। उन्हें देखकर लग रहा था कि वो रात भर रोती रही है। नरगिस से मीना कुमारी की हालत देखी नहीं गई। उन्होंने बाकर से कहा, क्या तुम सब लोग मिलकर मीना को मार देना चाहते हो? इसने तो तुम्हारे लिए बहुत काम किया है। तब बाकर ने पलटकर जवाब दिया, जब सही समय आएगा हम इसे आराम भी दे देंगे। लेकिन मीना की किस्मत में तो आराम आया ही नहीं। हर रोज मीना की जिंदगी में आंसुओं का इजाफा होता चला गया और अब बात इतनी बढ़ गई कि डांट तक सीमित नहीं रही। ईद वाले दिन जब मीना कुमारी ने गुस्से में परेशान होकर कमाल अमरोही से कुछ कड़वे सवाल पूछ लिए, तो जवाब में उनके गाल पर कमाल अमरोही ने एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। विनोद मेहता की लिखी हुई मीना कुमारी की बायोग्राफी में इस बात का जिक्र भी किया गया है, मीना कुमारी अपनी शादी में शारीरिक शोषण का भी शिकार हुई थी। काम के दबाव और मन की अशांति का अब मीना के सेहत पर गलत असर पड़ने लगा था। वो काफी समय से नींद की गोलियां भी ले रही थी। जब शादी के दौरान वो रात रात भर कमाल से बातें किया करती थी और दिन भर काम करती थी, तब से उनके नींद का बैलेंस बिगड़ चुका था। इसीलिए नींद की दवाइयां जारी थीं, लेकिन अब तो नींद पूरी तरह उड़ चुकी थी।
नींद की दवाइयां भी डॉक्टर ज्यादा नहीं दे सकते थे, इसीलिए डॉक्टर ने दवाइयों की जगह ब्रांडी का एक पैक रोजाना पीने के लिए कह दिया। पर वो ब्रांडी का एक पैक मीना कुमारी के जीवन में तबाही मचा देगा, ये डॉक्टर ने नहीं सोचा था। शराब अब दवाई का काम ना करके गम को भुलाने का साधन बन गई। अब एक पैक से मीना कहीं ज्यादा पीने लग गई थी। बेचैनी और परेशानी ने ग्लास को बोतल में तब्दील कर दिया और अब घर में शराब पीने पर पाबंदी भी लग गई थी। लेकिन मीना कुमारी कहाँ रुकने वाली थी। इधर लाओ गिलास। पीऊंगी और पीऊंगी। हाँ हाँ पीऊंगी, देखो मेरा क्या बिगाड़ता है तू। अब उन्हें आदत हो चुकी थी। वो अपने पर्स में छोटी छोटी शीशियों में शराब भरकर रखने लगी और जब भी उन्हें तलब होती थी वो एक शीशी बाथरूम में जाकर गटक लेती। कमाल अमरोही जब उन्हें टोकते तो वो कहती थी, मैं बहुत थक गई हूँ इसीलिए पी रही हूँ। इसे पीते ये बेरी बदन एकदम चुस्त हो जाएगा। और इन्हीं दिनों में सन 1962 से 63 के बीच मीना कुमारी ने 16 फिल्में साइन की थी। मीना कुमारी कहती थी, हर सुबह जब मैं स्टूडियो के लिए घर से निकलती हूँ मुझ में थकावट पूरी तरह से भर जाती है। मैं अपने आप से कहती हूँ, बस आज आखिरी दिन, शाम को आकर बैग पैक करूँगी और लंबी छुट्टी पर चली जाऊँगी। अब काम का बोझ और पति से अलगाव धीरे धीरे मीना कुमारी के लिए नासूर बनता जा रहा था। कमाल और मीना के रिश्ते में अब अहंकार भी आने लगा था। कमाल को लगता था कि मीना अब बहुत तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ती चली जा रही है और मैं नीचे की तरफ। यही बात कमाल अमरोही को अजीब सी झुंझलाट से भर देती थी और ये बात साबित हुई एक फिल्म के प्रीमियर पार्टी में, जब अबरार अलवी ने प्रीमियर पार्टी के दौरान महाराष्ट्र के राज्यपाल से मीना कुमारी का परिचय करवाया। अबरार अलवी ने कहा, राज्यपाल साहब, ये हैं प्रसिद्ध अभिनेत्री मीना कुमारी और ये हैं इनके पति कमाल अमरोही। ये बात सुनकर कमाल अमरोही गुस्से में आ गए और उसी वक्त कमाल ने कह दिया, मैं हूँ कमाल अमरोही और ये मेरी पत्नी है मीना कुमारी, ये एक प्रसिद्ध अभिनेत्री है। इतना कहकर कमाल अमरोही प्रीमियर छोड़कर चले गए और उस दिन मीना कुमारी ने अकेले ही उस प्रीमियर को देखा। साहब बीवी और गुलाम फिल्म सुपर हिट रही। मीना कुमारी के कैरेक्टर छोटी बहू को सब लोगों ने बहुत पसंद किया। किस मुंह से मेरी तुलना तुमने दूसरी बहुओं से की? जो कुछ उनके पास है वो मेरे पास, वो सब क्या दे सके तू मुझे? मुझे मुझे माँ कहकर पुकारने वाली छोटी बहू। सन 1963 के फिल्म फेयर अवार्ड में मीना कुमारी ने ऐसा रिकॉर्ड बनाया कि जो आज तक कोई नहीं तोड़ सका। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के तीनों नॉमिनेशन सिर्फ मीना कुमारी के नाम थे। तीन फिल्में थीं आरती, मैं चुप रहूंगी और साहब बीवी और गुलाम। तीनों ही फिल्मों की हीरोइन मीना कुमारी और तीनों ही फिल्में नॉमिनेशन में। और इस अवार्ड फंक्शन में मीना कुमारी को मिला साहब बीवी और गुलाम के लिए तीसरा फिल्म फेयर अवार्ड। इस फिल्म को इतना पसंद किया गया कि बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में भारतीय एंट्री के रूप में इसे चुना गया और मीना कुमारी को एक प्रतिनिधि के रूप में। और फिर तत्कालीन सूचना और प्रसारण मंत्री सत्यनारायण सिन्हा ने कमाल अमरोही और मीना कुमारी के लिए बर्लिन की टिकटों का इंतजाम किया, पर कमाल अमरोही ने जाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, इस फिल्म में मेरा कोई योगदान नहीं है, ना ही मैं निर्देशक हूँ और ना ही फिल्म का लेखक। सिर्फ मीना कुमारी के पति का टैग लगाकर मैं नहीं जा सकता। मीना चाहे तो बाकर या अपनी बहन के साथ जा सकती है। इसके बाद तो वही हुआ जो कमाल चाहते थे, मीना कुमारी बर्लिन नहीं गई। जिंदगी में अगर तमाम तमन्नाएं पूरी हो जाएं, तो जिंदगी कहाँ रही? जिंदगी तो अक्सर तमन्नाओं का गला घोंट देती है। मीना कुमारी कारों की बड़ी शौकीन थी। उनके पास मर्सिडीज भी थी तो इम्पाला भी। इम्पाला कार खरीदने वाली वो पहली भारतीय फिल्म अभिनेत्री हैं। करियर के पीक पॉइंट पर सबसे ज्यादा फीस लेने वाली भी अभिनेत्री थी मीना कुमारी। मीना कुमारी ने जब मर्सिडीज कार खरीदी थी तब कमाल अमरोही ने कार में कदम रखने से भी मना कर दिया था। उन्होंने कहा, तुम अपनी कार में स्टूडियो जा सकती हो, पर अगर मेरे साथ तुम्हें कहीं चलना है तो मेरी ही कार में बैठना होगा। अब मीना कुमारी को इन बातों की आदत सी हो गई थी। उन्हें दुख तो बहुत होता था लेकिन वो रिएक्ट नहीं करती थी। वहीं कमाल अमरोही को अब लगने लगा था कि जीवन में बस उनके एक ही काम रह गया है,
अपनी पत्नी के लिए फिल्मों की डेट सेट करते रहना। वहीं मीना की तड़प और दुख अब शब्दों के जरिए कागजों में भी उतरने लगा था। लिखने का शौक तो मीना कुमारी को बचपन से था, लेकिन अब शब्दों में दर्द साफ साफ झलकने लगा था। एक फिल्म की शूटिंग के दौरान मीना कुमारी की मुलाकात हो गई जाने माने गीतकार और निर्देशक गुलजार साहब से। गुलजार उस वक्त शायर हुआ करते थे। मीना उनसे मिलकर बड़ी खुश हुई। वो अक्सर अपनी शेर शायरियों की बातें गुलजार से किया करती थी और खुद की लिखी हुई कई नज़में उन्हें सुनाया करती थी और गुलजार उन्हें सुनकर तारीफ करते थे। यहाँ यह भी गौरतलब है कि मीना कुमारी ने अपने नाम से कोई भी शायरी नहीं लिखी। मीना कुमारी की जगह वो लिखा करती थी नाज, और नाज ही उनका तखल्लुस बना। यूं तेरी रह गुजर से दीवाना वार गुजरे, कांधे पे अपने रख के अपना मजार गुजरे। छुपा सकूं या दिखा सकूं मेरे दिल के दिदकी हुए जवान। मीना कुमारी गुलजार से कहती थी, हम दोनों में कवि वाला रिश्ता है। मैं जो एक्टिंग करती हूँ उसमें एक कमी है, वो ये है कि ये फन, ये आर्ट मुझसे नहीं जन्मा है। ख्याल दूसरे का है, किरदार किसी और का है, निर्देशन किसी और का है, और मेरे अंदर जो जन्मा है वो मैं लिखती हूँ। जो कहना चाहती हूँ, जो महसूस करती हूँ, वो मेरे अल्फाज बन जाते हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग कमाल अमरोही और मीना कुमारी के बीच आपसी अनबन से बड़े खुश थे। वो कमाल अमरोही और मीना कुमारी को भड़काया भी करते थे। वो कहते थे, मीना एक दूध देने वाली गाय बन चुकी है जिसका फायदा कमाल अमरोही उठा रहे हैं। पर मीना इन बातों को इग्नोर कर दिया करती थी, लेकिन अमरोही साहब की अजीब सी पाबंदियां, एक अनजाना सा शक, झगड़े, मीना का साथ ना देना, मीना को अंदर ही अंदर बहुत तकलीफ भी देता था। पर रिश्ते को बचाने के लिए वो हमेशा चुप रहती थी। सौगंध खाकर कहती हूं कि मैं चुप रहूंगी, जिंदगी भर चुप रहूंगी। 5 मार्च सन 1964 की बात है। पिंजरे के पंछी फिल्म का मुहूर्त था। वहां बाकर मीना की व्यवस्था देखने पहुंचे और सीधा वो मेकअप रूम में गए और हेयर ड्रेसर को बोल दिया, मीना के मेकअप रूम में ध्यान रखिएगा, कोई भी जेंट्स नहीं आना चाहिए। जब मीना कुमारी मेकअप रूम में पहुंची तो हेयर ड्रेसर ने बाकर का फरमान उन्हें सुना दिया। मीना कुमारी को यह सुनकर बड़ा गुस्सा आया। मीना कुमारी के सब्र का बांध टूट गया। पहले से ही वो शर्तों से समझौता करते हुए काम कर रही थी, पर यह तो हद ही थी। आखिर ये फरमान किस इंसान के लिए था? मीना कुमारी समझ गई और उन्होंने गुस्से में गुलजार को अपने मेकअप रूम में बुलवाया, और बाकर के फरमान से अनजान गुलजार भी मीना कुमारी के मेकअप रूम की तरफ बढ़ चले। बाकर ने गुलजार को जाते हुए देख लिया और फिर धक्का मुक्की करने लगे। ये बात देखकर मीना अब गुस्से से फट चुकी थी और मीना ने चिल्लाते हुए बाकर से कह दिया, क्या चल रहा है मेरे रूम में? इतनी पाबंदियां किस बात की? क्या मैं एक वैश्या हूं? ये बात सुनकर बाकर ने आपा खो दिया और बिना सोचे समझे मीना कुमारी के गाल पर एक जोरदार तमाचा मार दिया। इस थप्पड़ के कारण मीना कुमारी के सब्र ने उनका साथ छोड़ दिया। मीना कुमारी रोते रोते उस मेकअप रूम से बाहर चली गई और बाकर से बोलकर गई, अमरोही साहब को कह दीजिएगा कि वो आज के बाद घर कभी नहीं आएंगी। मुझे भी देखना है आप क्या कर सकते हैं। बाकर ये सुनकर घबरा गया और सीधा कमाल अमरोही को जाकर एक किस्सा उन्होंने सुनाया। कमाल अमरोही ने बाकर पर गुस्सा नहीं किया, बल्कि उन्हें कह दिया, आप चिंता मत करिए, मैं सब संभाल लूंगा। मीना का गुस्सा कुछ घंटों में ठंडा हो जाएगा और वो अपने आप घर आ जाएंगी। गुस्से, बेबसी और बेइज्जती के दर्द को सहते हुए मीना कुमारी उस दिन अपनी बहन मधु के घर चली गई। मधु अब कॉमेडियन महमूद की पत्नी बन चुकी थी। अपनी बहन के घर जाने से पहले मीना कुमारी पहुंची थी पुलिस स्टेशन और वहां जाकर उन्होंने सुरक्षा की मांग की थी। शाम होने पर जब मीना कुमारी घर नहीं आई तो कमाल अमरोही को घबराहट होने लगी। वो बाकर के साथ मीना को ढूंढने निकले। ढूंढते ढूंढते मधु के घर पहुंचे तो उन्हें बाहर पुलिस खड़ी दिखाई दी। वो समझ गए कि मीना यहीं है। वो अंदर जाकर मीना से बात करना चाहते थे, पर मीना ने अपना कमरा बंद कर रखा था और वो लगातार रोती चली जा रही थी। मीना को जब कहा गया कि अमरोही उनसे बात करना चाहते हैं, तब मीना ने साफ मना कर दिया। दरवाजा भी बहुत खटखटाया गया, पर दरवाजा अब नहीं खुला। आज मीना पूरी तरह बिखर चुकी थी। कमाल अमरोही की फोन पर बात करने की कोशिश भी नाकामयाब साबित हुई। अब
कमाल अमरोही ने मीना कुमारी को फिर से फरमान सुना दिया, अगर आज तुम मेरे साथ नहीं चलोगी तो मैं वापस तुम्हें कभी लेने नहीं आऊंगा। और ये कहते हुए वो चले गए। कमाल अमरोही ने आज भी वही किया था जो पहले करते चले आए, फिर से रिश्तों को शर्त पर रख दिया। काश कमाल अमरोही मीना कुमारी की बेइज्जती का एक पल के लिए भी एहसास कर लेते, इतने सख्त ना होते तो बात बन सकती थी। कमाल अमरोही रोती बिलखती मीना कुमारी को छोड़कर चले गए और उस दिन के बाद वापस अपनी पत्नी को लेने कभी नहीं आए। आज एक बार फिर से मीना बेघर हो चुकी थी, जिसके लिए उन्होंने अपना सब कुछ दे दिया। क्या वो एक बात पर मीना को इस तरह छोड़कर जा सकता था, यह आप खुद सोचिए। मीना कुमारी कुछ दिन तो बहन के घर रही, फिर महमूद ने उन्हें अपने दूसरे घर में शिफ्ट कर दिया, जहां महमूद के कई और रिश्तेदार भी रहते थे। मीना कुमारी के लिए ऊपर एक हवादार कमरे की व्यवस्था कर दी गई। मीना 5 महीने तक वहां रही थी, पर कुछ ही दिनों में उन्हें लगने लगा था कि वो किसी पिंजरे में बंद हो चुकी हैं। घर में पाले जाने वाले बड़े बड़े कुत्ते और महमूद के रिश्तेदार जरूरत से ज्यादा मीना कुमारी की जिंदगी में दखल देने लगे थे। मीना कुमारी से कोई भी मिलने आता, पहले वो रिश्तेदार उनसे कई सवाल पूछते, किससे मिलना है, क्यों मिलना है, कहां से आए हो, ऐसे कई सवाल पूछ लिए जाते। यहां तक कि मीना कुमारी को कोई फोन भी लगाता तो उन्हें भी इन सवालों से गुजरना पड़ता था। मीना कुमारी इस बात से बहुत परेशान हो गई थी, वो जल्द से जल्द उस मकान से निकल जाना चाहती थी। ऐसे में इनका साथ दिया दोस्त रजनी पटेल के असिस्टेंट किशोर शर्मा ने, क्योंकि वो अब मीना कुमारी के असिस्टेंट भी थे। जुहू में मीना कुमारी के लिए घर देखा गया, जिसका नाम था जानकी कुटीर। मीना कुमारी वहां रहने भी आ गई, लेकिन कुछ ही दिनों में उनके साथ रहने आ गए तकरीबन 2 दर्जन रिश्तेदार। मीना कुमारी के साथ अक्सर उनके रिश्तेदार पिछले घर में भी रहा करते थे। मीना कुमारी ये जानती थी कि ये सब रिश्तेदार मेरा फायदा उठाने आते हैं, लेकिन वो किसी को मना नहीं करती थी, हमेशा खामोश रहती थी, क्योंकि काम का ठेका तो जीवन भर के लिए मीना कुमारी ने ले ही रखा था, इससे वो पीछे हटती भी कैसे। पहले की तरह अब मीना कुमारी फिर से काम करती चली गई, लेकिन अब जब घर लौटती थी तो एक सूनापन उन्हें घेर लेता था, अकेलापन अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। अजीब घर, इतना रुपया पैसा, नौकर चाकर जेवर गहना सभी कुछ तो है, पर ये सारे सुख खोखले हैं, खोखले। औरत का जो सबसे बड़ा सुख है मुझे वही। मीना ने अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए एक साथी को चुना, वो साथी था शराब। मीना अब पहले से दिन ब दिन ज्यादा शराब पीने लगी। मीना की परवाह तो किसी को भी नहीं थी, हमेशा की तरह रिश्तेदार सिर्फ फायदा उठाने के लिए उनके साथ रहते थे, उन्हें तो सिर्फ मीना के घर और पैसों से मतलब था। हद तो यहाँ तक हो गई थी कि मीना कुमारी के पैसों पर पल रहे रिश्तेदार अब मीना कुमारी के लिए कभी कभी तो खाना तक नहीं छोड़ते थे, बर्तन खाली मिलते थे। अब्रार अलवी ने भी इस बात का खुलासा किया था, उन्होंने कहा था कि मीना जब एक बार देर रात शूटिंग से लौटी थी तो डिनर में उनके लिए घर में कुछ भी नहीं बचा था, तब उन्होंने एक नौकर को भेजकर मेरे यहाँ से खाना मंगवाया था। फिल्मी जगत का चमकता सितारा, जिसके इशारे पर बहुत सारी सुविधाएं कदमों में आ सकती थीं, आज वो खाने के लिए सोच रहा था कि क्या खाएं, कहाँ से लाएं। लेकिन मीना कुमारी की ये महानता थी कि वो किसी से कुछ भी शिकायत नहीं करती थी। फिल्मों की बात करें तो सन 1964 में मीना की सांझ और सवेरा फिल्म रिलीज हुई, जिसमें गुरुदत्त ने इनके साथ काम किया, और ये फिल्म गुरुदत्त की आखिरी फिल्म भी साबित हुई थी, क्योंकि इसके बाद गुरुदत्त साहब ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। अशोक कुमार के साथ बेनजीर और चित्रलेखा जैसी कुछ फिल्में आई। फिर मीना कुमारी के साथ आया एक नया लड़का जो आगे चलकर ही मैन बने। मीना कुमारी के साथ धर्मेंद्र नजर आए मैं भी लड़की हूँ फिल्म में। मीना कुमारी उस वक्त बहुत बड़ी स्टार थी और धर्मेंद्र नए नए थे। धर्मेंद्र भी मीना कुमारी के बहुत बड़े फैन थे, एक तरीके से वो मीना कुमारी की पूजा करते थे। उनके साथ काम करना धर्मेंद्र के लिए एक सपने जैसा था, और इसीलिए जब फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो धर्मेंद्र नर्वस होने लगे,
लेकिन धर्मेंद्र की इस परेशानी को मीना कुमारी ने तुरंत समझ लिया और उन्हें सहज कर दिया। हर शॉट से पहले सीन का डिस्कस करती थी और फिर रिहर्सल के बाद ही शूटिंग करती थी। और मीना कुमारी की इस दरियादिली से धर्मेंद्र बहुत इम्प्रेस हो गए। लेकिन मीना कुमारी बाहर से जितनी मजबूत अभिनेत्री थी, अंदर से उतनी ही कमजोर थी। धर्मेंद्र से उन्हें बातें करके बड़ा अच्छा लगने लगा था। मन को एक साथी की जरूरत थी जिसके कंधे पर वो सर टिकाकर अपने गम का बोझ हल्का कर सके। और धर्मेंद्र से बात कर वो थोड़ा हल्का महसूस करती थी। मन की एक बात कहूं? हाँ, कहो। इतनी बड़ी हवेली में अब मन घबराने लगा है, जो चाहता है कोई साथी हो। पर शराब को मीना ने बिल्कुल भी नहीं कम किया था, क्योंकि उनके गम की साथी तो वही थी। मीना के रिश्तेदारों का स्वार्थीपन धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था। मीना कुमारी के पैसों में किस तरीके से सेंध लगाई जाए, वो यही सोचते थे। मीना कुमारी जब अपने लिए शराब मंगवाती थी, शराब ला तो मेरे लिए, तो ब्रांडेड शराब के लिए पैसे दिया करती थी। पर मीना कुमारी को लाकर दी जाती थी घटिया और सस्ती शराब। मीना को ये बातें पता भी चल गई थी, पर वो हमेशा की तरह चुप रही, किसी को कुछ नहीं कहा। न जाने कहां से इतनी सहन शक्ति लेकर आई थी मीना कुमारी। सच में आज मीना जी का दर्द बताते हुए हमें भी बड़ी तकलीफ हो रही है, लेकिन उन्होंने तो ये सब कुछ सहन किया था। धर्मेंद्र और मीना अब अच्छे दोस्त बन चुके थे। काम भी लगातार चल रहा था। धर्मेंद्र मीना कुमारी की परवाह करते थे और मीना जी को धर्मेंद्र के रूप में एक अच्छा दोस्त मिल चुका था। लेकिन ये बात लोगों को रास नहीं आ रही थी। कुछ वक्त बाद ही इनके अफेयर के चर्चे मैगजीन और अखबार में रंगने लगे थे। एक दिन एक पार्टी के दौरान धर्मेंद्र ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी और दिल्ली से उन्हें बॉम्बे आना था, पर किसी वजह से फ्लाइट कैंसिल हुई। तो नशे में चूर धर्मेंद्र ने कहा था, मुझे जाने दो, वहाँ मीना बॉम्बे में मेरा इंतजार कर रही है। इस बात को मीडिया ने काफी उछाला था और इन दोनों के अफेयर की बातों को सच बताया था। वहीं एक बार मीना कुमारी और धर्मेंद्र पिकनिक पर कुछ दोस्तों के साथ गए थे। जब वो वापस लौट रहे थे, तब धर्मेंद्र दूसरी कार में बैठ गए। मीना जी परेशान हो गई और शराब के नशे में कार से उतरी और सड़क पर बैठ गई और कहने लगी, मेरा धर्म कहाँ है। बस मीडिया में सुर्खियां बनने के लिए इतना ही काफी था। बात तो ये सच है कि दोनों ने ऐसा शराब के नशे में कहा था। और मीना जी की जो दिल की स्थिति थी, वो बहुत अकेलापन महसूस करती थी। धर्मेंद्र के रूप में उन्हें एक दोस्त और एक हमदर्द मिला था, जिसे वो खोना नहीं चाहती थी। तो मेरे पास से मत जाना। हाँ, मैं नहीं जाऊंगा। कल गई, आज वापस भी आ गई। कहीं बाहर चलिए। चलिए बाहर चल। इश्क और दोस्ती में कुछ फासला होता है, पर इस फासले को मीडिया वाले कभी नहीं समझते और उसे एक गॉसिप बना देते हैं। लेकिन इस बात पे भी मीना कुमारी ने किसी से कोई भी शिकायत नहीं की, पर इन बातों से उन्हें तकलीफ होती थी और ये बातें उन्हें दिल पर चोट करती थीं। और ऐसी बातें सुनते सुनते अब मीना कुमारी शराब को बिना बर्फ, बिना पानी, बिना सोडे के ही पीने लगी। दिन भर काम की थकान और मन से परेशान मीना कुमारी ने जिस तरह शराब को गले लगाया था, अब धीरे धीरे शराब मीना को ही पीने लगी थी। ना ही उनकी नींद का कहीं कोई समय था और ना ही खाने पीने का। बस वो चलती चली जा रही थी, बिना रुके, बिना थके। 1965 में मीना की कई फिल्में आईं। उनमें सबसे अहम फिल्म रही काजल। इस फिल्म में मीना कुमारी के साथ थे राजकुमार और धर्मेंद्र, और यही वो फिल्म थी जिसने मीना कुमारी को 4th फिल्म फेयर अवार्ड बेस्ट एक्ट्रेस दिलवाया। वैसे काजल फिल्म थी ऐसी ही औरत की दास्तान है, जो आम भी है और मखसूस भी। काजर काजर सब कहें, जानत बस मनमोर, दीपक हृदय जराए के उभरी नैनन कोर। कहाँ है मेरा भाई? तुम उसे ले गए थे ना? मैंने उसे तुम्हारे हाथों सौंपा था। अशोक कुमार और प्रदीप कुमार के साथ फिल्म आई थी भीगी रात। ये फिल्म उस साल की बड़ी हिट फिल्म साबित हुई। फूल और पत्थर सन 1966 में आई, जिसमें फिर से धर्मेंद्र के साथ थे, और ये फिल्म गोल्डन जुबली हिट फिल्म साबित हुई और इस फिल्म ने धर्मेंद्र को एक स्टारडम दिया।
फिर 1967 में मीना कुमारी धर्मेंद्र की एक और फिल्म आई मझली दीदी। इस फिल्म को विदेशी भाषा अकादमी पुरस्कार में भारत की तरफ से भेजा गया और इसी साल रिलीज हुई बहू बेगम। इस फिल्म के एक सीन में मीना कुमारी के पिता नाराज होकर उन्हें घर से निकाल देते हैं। मीना कुमारी ने ये पूरा सीन समझ लिया और जब सीन शूट होने लगा तो मीना कुमारी ने एक ही शॉट में इतना बड़ा सीन दे दिया। खास बात ये थी कि सीन जैसा समझाया वैसा नहीं था। इस सीन में मीना कुमारी खुद ही खो गई और उन्हें उस बात का मंजर याद आ गया जब वो रियल लाइफ में अपने पिता अली बख्श से माफी मांग रही थी और उन्होंने मीना कुमारी को घर से बाहर निकाल दिया था। इस बात ने ये भी एहसास करवा दिया कि इतने सालों बाद भी मीना कुमारी के जख्म पूरी तरह से हरे थे। ये एक बेहतरीन फिल्म साबित हुई। इसी साल प्रदीप कुमार के साथ एक ऐतिहासिक फिल्म रिलीज हुई। फिल्म का नाम था नूरजहां। इसके अलावा चंदन का पालना जैसी कई फिल्में आई। सन 1968 में भी धर्मेंद्र और मीना कुमारी की जोड़ी फिर से सिनेमा स्क्रीन पर नजर आई। फिल्म का नाम था बहारों की मंजिल। ये फिल्म उस साल की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में शुमार रही। मीना कुमारी का फिल्मी सितारा इतना बुलंद था कि कभी भी उसकी चमक कम नहीं हुई, लेकिन लगातार शराब की वजह से उनके चेहरे के साथ अब सेहत की चमक भी फीकी पड़ने लगी थी। तबीयत तो मीना कुमारी की खराब चल ही रही थी, पर वो परवाह नहीं करती थी, लगातार काम किए जा रही थी। एक दिन जब तबीयत ज्यादा खराब हुई तो डॉक्टर के पास उन्हें जाना पड़ा। पता चला कि उन्हें लीवर सिरोसिस की बीमारी हो चुकी है। डॉक्टर ने बीमारी की नजाकत को समझते हुए लंदन जाने की सलाह दे दी। जून 1968 मीना कुमारी अपनी बहन मधु और असिस्टेंट किशोर शर्मा के साथ लंदन चली गई और फिर जून से सितंबर तक मीना कुमारी का लंदन में इलाज चला और वो वापस बॉम्बे लौट आई। डॉक्टर ने आराम करने की सलाह दी और काम करने के लिए साफ साफ मना कर दिया, पर मीना कुमारी लंदन से आने के ठीक 5 दिन बाद ही अपने काम पर वापस लौट आई। फिर से शूटिंग शुरू हो गई। हालांकि शूटिंग के लिए वो स्टूडियो नहीं जा रही थी, शूटिंग उनके घर पर ही शुरू हो चुकी थी। फिल्म का नाम था अभिलाषा और इस फिल्म के लिए निर्माता ने फीस के तौर पर एक बंगला मीना कुमारी को दिया था। मीना कुमारी और कमाल के अलगाव के चलते पाकिजा फिल्म बीच में ही रुक चुकी थी। एक दिन सुनील दत्त और नरगिस ने पाकिजा फिल्म के कुछ फुटेज देखे और कमाल अमरोही से कह दिया, ये इतिहास रचने वाली फिल्म है, इसे अधूरा मत छोड़िए, इसे पूरा कीजिए। वहीं ये फिल्म तो कमाल अमरोही का सबसे बड़ा सपना भी थी जिसे वो हर हाल में पूरा करना चाहते थे, लेकिन कमाल और मीना के बीच के अलगाव ने फिल्म को रोक दिया था। वहीं ये फिल्म तो कमाल अमरोही का सबसे बड़ा सपना भी थी जिसे वो हर हाल में पूरा करना चाहते थे, लेकिन कमाल और मीना के बीच के अलगाव ने फिल्म को रोक दिया था। अमरोही ने फिर 25 अगस्त सन 1968 को मीना कुमारी को एक खत लिखा। तुम अगर इस शर्त पर पाकिजा फिल्म करोगी कि मैं तुम्हें तलाक दे दूं, तो मुझे ये बात मंजूर है। मैं तुम्हें हर तरह से आजाद करने को राजी हूँ। इस फिल्म को बनाने में कई लोगों की जिंदगियां जुड़ी हैं, इसीलिए इस फिल्म को पूरी करने के लिए मीना तुम मेरी मदद करो। सन 1969 की शुरुआत में फिर मीना कुमारी ने इस खत का जवाब दिया। पाकिजा मेरे दिल के बहुत करीब है। मैं हमेशा से इस फिल्म को करना चाहती थी। मैं ये फिल्म जरूर करूंगी। इस फिल्म में मेहनताने के तौर पर मैं आपसे एक सिक्का लूंगी। 16 मार्च सन 1969 मीना कुमारी फिल्म पाकिजा के सेट पर पहुंची। कमाल अमरोही ने उनका जोरदार स्वागत किया। फिल्म का गाना मौसम है आशिकाना, इस गाने की शूटिंग से काम शुरू हुआ। पर दिक्कत यहाँ हुई कि अब मीना कुमारी पहले की तरह नहीं लगती थी। बीमारी की वजह से उनका पेट फूल गया था और मीना काफी कमजोर भी महसूस करने लगी थी और शरीर शूटिंग करने की इजाजत नहीं दे रहा था। पर दिल का क्या करे, वो तो ठान चुका था कुछ भी हो जाए कमाल अमरोही के सपने को जरूर पूरा करना है। ब्लैक एंड व्हाइट वाली पाकिजा की जब शुरुआत हुई थी तब हीरो के तौर पर उसमें थे अशोक कुमार, लेकिन इतने समय के बाद चेहरे पर अब उम्र का असर दिखने लगा था, इसीलिए कमाल अमरोही के दिमाग में धर्मेंद्र का ख्याल आया। पर मीना कुमारी के साथ उनके अफेयर के चर्चों ने ख्याल बदल दिया। काफी सोच विचार के बाद कमाल अमरोही ने राजकुमार को साइन किया। राजकुमार भी मीना जी के बड़े फैन थे। वो खुद इतने बड़े स्टार थे पर मीना जी के सामने नर्वस होकर डायलॉग भूल जाते थे। जब मौसम है आशिकाना ये गाना शूट हो रहा था तब मीना का पेट फूला हुआ था। पेट छुपाने के लिए कुर्ते के नीचे सलवार की जगह लुंगी पहनाई गई और बाद में जब फिल्म रिलीज हुई तो ये मजबूरी में पहनाई गई ड्रेस फैशन ट्रेंड बन गई।
और अब धीरे धीरे मीना कुमारी ने अपनी खराब हालत के चलते फिल्मों में लीड रोल करना कम कर दिया था। लेकिन गुलजार ने एक दिन मेरे अपने फिल्म के लिए मीना कुमारी को साइन करना चाहा और वो थी एक चरित्र भूमिका। मीना कुमारी मना नहीं कर पाई क्योंकि गुलजार उनके दोस्त थे और ये उनकी पहली निर्देशित फिल्म थी। और मेरे अपने के साथ ही फिल्म गोमती के किनारे, जवाब और सात फेरे भी मीना कुमारी ने साइन कर ली। 1971 में मेरे अपने रिलीज हुई और ये एक सुपर डुपर हिट फिल्म साबित हुई जिसमें शत्रुघ्न सिन्हा और विनोद खन्ना नजर आए। पाकिस्तान की शूटिंग का काम भी जोर शोर से चल रहा था। कमाल अमरोही फिल्म की हर चीज को बड़ी बारीक नजर से देख रहे थे और साथ ही फिल्म में पहने जाने वाले ड्रेस से लेकर ज्वेलरी तक का ख्याल कमाल अमरोही रख रहे थे। पर मीना अपनी तबीयत का ख्याल खुद नहीं रख पा रही थी। काम ना करने की जो डॉक्टर ने सलाह दी थी उसे तो वो नजरअंदाज कर चुकी थी। धीरे धीरे हालत ज्यादा खराब होने लगी। एक दिन मीना कुमारी जब पाकिजा के गाने की शूटिंग कर रही थी तो वो डांस करते करते एकदम बेहोश होकर गिर पड़ी थी। हाल तो यहां तक हो गया था कि फिल्म का शॉट देती और स्पॉट बॉय चेयर लेकर खड़ा रहता था। जैसे ही शॉट ओके होता वो बैठ जाती थी क्योंकि ज्यादा देर तक खड़ा भी अब नहीं रहा जा रहा था। बीमारी के इस दौर में भी मीना कुमारी ने कैसे ना कैसे करके इस फिल्म की शूटिंग पूरी कर दी। जहां एक तरफ कहा जाता था कि फिल्म की शूटिंग के दौरान कमाल अमरोही ने उनका बड़ा ख्याल रखा था, वहीं इस दावे को खारिज कर दिया था मीना कुमारी की बहन खुर्शीद ने। महजबी एज मीना कुमारी, मीना कुमारी की एक और जीवनी जिसे अश्विनी भटनागर ने लिखा, उसमें कहा गया कि खुर्शीद ने कहा था, मीना कुमारी को कमाल अमरोही से खुद को लेकर कोई भी उम्मीद नहीं थी। उम्मीद होती भी कैसे, पाकिजा की शूटिंग के वक्त कमाल ने जैसा मीना के साथ व्यवहार किया उसके बाद वो कैसे कमाल के लिए कुछ महसूस कर सकती थी। कमाल अमरोही ने मीना की तबीयत की परवाह करे बिना अपने शॉट को परफेक्ट बनाने के लिए तकरीबन 26 रीटेक किए और बीमारी की हालत में मीना कुमारी को पहाड़ी से नीचे दौड़ाया था। ये सब खुर्शीद ने बताया। उन्होंने ये भी शिकायत की कि मीना के खाने से लेकर दवा और रहने की भी सही से व्यवस्था नहीं की थी कमाल अमरोही ने। उन दोनों के बीच सिर्फ काम का रिश्ता था। मीना पाकिजा सिर्फ कमाल के लिए पूरा करना चाहती थी और कमाल अपने सपने को। साथ साथ गोमती के किनारे फिल्म की शूटिंग भी मीना कुमारी कर रही थी। फिल्म के डायरेक्टर थे राजस्थान से सावन कुमार टांग। सावन कुमार जब इस फिल्म की स्क्रिप्ट सुनाने के लिए मीना कुमारी के पास गए तो उनके चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट थी। बड़े नर्वस हो रहे थे कि इतनी बड़ी अदाकारा मैं कैसे बात करूंगा। पर मीना जी ने बड़ी शालीनता से स्क्रिप्ट सुनी और सावन कुमार को कहा, आप फिल्म को डायरेक्ट कीजिए। इतनी बड़ी एक्ट्रेस और इतना सीधापन, सावन कुमार बहुत इम्प्रेस हो गए और जितना वो मीना कुमारी को जानने लगे उतना ही उनके करीब आते चले गए। मीना कुमारी से प्यार हो गया था सावन कुमार को। मीना कुमारी की दरिया दिली यहाँ भी नजर आती है कि जब गोमती के किनारे फिल्म की शूटिंग के समय सावन टाक के पास पैसे खत्म हो गए थे तब मीना जी ने उनकी मदद की थी। मीना जी का तो यही था कि वो कभी किसी का दिल नहीं दुखाती थी। जो उनसे प्यार करता था वो अपना सब कुछ उस पर कुर्बान कर दिया करती थी। सावन कुमार की परेशानी को देखकर मीना कुमारी ने अपना एक बंगला ही बेच दिया था जो कि अभिलाषा फिल्म के मेहनताने के रूप में मीना कुमारी को मिला था। सावन कुमार बताते हैं कि मीना जी की तबीयत उस वक्त इतनी खराब थी कि वो शॉट देने के लिए खड़ी होती थी तो लगता था कि कहीं गिर ना जाए। इसीलिए सावन कुमार उनका पल पल ध्यान रखते थे और मीना कुमारी हंसते हुए सावन कुमार को यही कहती थी, तुम्हारी फिल्म पूरी होने से पहले मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मीना कुमारी ने जैसे तैसे इस फिल्म की शूटिंग भी पूरी कर ली और गौरतलब ये भी है कि इस फिल्म में मुमताज ने भी काम किया था और उनकी फीस के तौर पर भी मीना कुमारी ने एक बंगला उन्हें गिफ्ट कर दिया था। मेरा बस चले तो मैं हर कोठे को एक आश्रम में बदल दूं, एक ऐसे मंदिर में बदल दूं जहां समाज के ठुकराए हुए मजबूर और बेसहारों की लाज, धर्म और इज्जत की रक्षा हो। 4 फरवरी सन 1972 मराठा मंदिर में पाकिजा फिल्म का प्रीमियर रखा गया। मीना कुमारी अपनी पसंदीदा व्हाइट कलर की ड्रेस में वहां पहुंची। ये मीना कुमारी के अंदर का विश्वास ही था कि इतनी ज्यादा तबीयत खराब होने के बावजूद वो फिल्मों की शूटिंग पूरा कर पाई। लेकिन सभी फिल्मों की शूटिंग पूरी होने के बाद अब मीना कुमारी बिस्तर पर आ गई थी। लगातार काम करना उनके लिए अब जानलेवा साबित हो चुका था। एक बार कोई शख्स जब उनसे मिलने आया तो वो बोली, मुझे अपनी जिंदगी और फिल्मों से कभी आराम नहीं मिला तो इस बीमारी से कैसे आराम मिल सकता है। मार्च सन 1972, तबीयत बद से बदतर हो गई थी। अब मीना पूरी तरह से बिस्तर पर थी। हालत काफी गंभीर और दर्दनाक। उनका पेट
पानी से बहुत ज्यादा फूल गया था। जब भी थोड़ा सा हिलती तो होठों से एक दर्द की हल्की सी चीख निकल पड़ती। बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी थी मीना। जब कोई मिलने आता तो एक मनभावन हंसी से उसका स्वागत करती और कहती थी, मुझे दर्द की वजह से रोने में शर्म महसूस होती है। मीना के हाथ पांव भी अब हिलडुल नहीं रहे थे। अब दोनों बहनें खुर्शीद और मधु मीना के साथ रहने लगे। वो हर समय पीठ पर एक बड़े से तकिए को लगाकर लेटी रहती। 25 मार्च हालत और ज्यादा खराब हो गई। अब तो मीना से थोड़ा बहुत भी हिला नहीं जा रहा था। तब मीना ने अपनी बहन खुर्शीद से कहा, आपा शायद ये सही वक्त है, मेरे पास कोई अधूरा काम नहीं है। कमाल साहब की पाकिजा पूरी हो गई, प्रेम जी की फिल्म दुश्मन और सावन कुमार की फिल्म गोमती के किनारे भी पूरी हो चुकी है। अब कोई ये नहीं कहेगा कि मीना अपना काम पूरा करे बिना ही चली गई। मैं आपके लिए और आपके बच्चों के लिए जितना भी कर सकी वो मैंने किया है। अब मैं मरने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। ये बात सुनकर खुर्शीद ने तुरंत डॉक्टर को बुलवाया। मीना कुमारी अब मेडिकल ऑक्सीजन पर थी। दर्द की ऐसी पराकाष्ठा थी कि मीना आधी बेहोशी की हालत में भी दर्द से चीख रही थी। दो दिन तक तो घर पर ही इलाज चला, फिर डॉक्टर ने अर्जेंटली हॉस्पिटल में भर्ती करने को कहा। मीना जी हॉस्पिटल नहीं जाना चाहती थी, लेकिन जाने के अलावा कोई और चारा भी नहीं था। मीना कुमारी को मालाबार हिल के सेंट एलिजाबेथ नर्सिंग होम में भर्ती करवाया गया। 28 मार्च को हॉस्पिटल जाने से पहले मीना जी को ध्यान था, पैसों की व्यवस्था करनी है। खुर्शीद से जब उन्होंने पूछा तो बताया, घर पर तो थोड़े से ही पैसे बचे हैं। तब मीना कुमारी ने कहा, किसी भी हालत में कमाल साहब से पैसे नहीं मांगे जाएं, क्योंकि ऐसा करना मेरे आत्मविश्वास को चोट पहुंचाएगा। मैं पूरी जिंदगी सबके लिए करती रही हूं, और अब आखिरी दिनों में मैं किसी के सामने हाथ नहीं बढ़ाना चाहती। मीना को उसी वक्त याद आया कि निर्माता प्रेम जी से कुछ पैसे लेने हैं। जब उनसे बात की गई तो उन्होंने कहा, मैं जल्द से जल्द पैसा भिजवा देता हूँ। थोड़ी देर में पैसे भी आ गए और एम्बुलेंस भी। मीना जी ने खुर्शीद से कहा, मेरे कमरे को लॉक कर दो, अब मैं वापस नहीं आऊँगी। मेरी इच्छा है जब मैं वापस आऊँ तो मुझे मेरे माँ और बाबूजी के पास बगल में दफना दिया जाए। हॉस्पिटल जाने से पहले रिश्तेदारों की भीड़ फ्लैट पर इकट्ठी हो गई। मीना कुमारी ने एक एक रिश्तेदार को बुलाया और सबको अलविदा कहा। जब एक छोटी सी बच्ची जोर जोर से रोने लगी तो उसके गाल पर मीना जी ने हाथ रखा और कहा, खुदा हाफिज। मीना अपने फ्लैट को चारों तरफ से देख रही थी। उन्हें यकीन था कि अब मैं वापस नहीं आऊंगी। मीना कुमारी इतना बड़ा सितारा थी, फिर भी सभी लोगों से उनका एक अनजाना सा रिश्ता था। जब वो लिफ्ट में गई तो लिफ्ट मैन जोर जोर से रोने लगा। जब नीचे गई तो चौकीदार अपनी आंसुओं से भरी आंखों से उन्हें देख रहा था। वहीं सफाई करने वाली एक औरत मीना जी के सामने हाथ जोड़कर जोर जोर से रोने लगी। तब मीना कुमारी ने अपना वो हैंडबैग उस सफाई कर्मचारी को दे दिया जो उस वक्त वो हॉस्पिटल लेकर जा रही थी। सच में वो इतनी महान शख्सियत थी कि हर किसी के लिए उनके दिल में प्यार था। खबर सुनकर बहुत भीड़ वहां इकट्ठी हो गई। मीना जी सबको अपनी सादगी सी मुस्कान के साथ अलविदा कह के एम्बुलेंस में बैठ गई। शाम को फिर कमाल भी उनसे मिलने आए और उस दिन डॉक्टर्स ने मीना कुमारी के पेट से कई लीटर पानी बाहर निकाला। मीना कुमारी अब पहले से बेहतर महसूस कर रही थी। कमाल अमरोही अपने बेटे ताज अमरोही के साथ हॉस्पिटल पहुंचे। ताज अक्सर फ्लैट पर अपनी छोटी अम्मी यानी मीना से मिलने जाया करते थे। मीना जी भी उन्हें बहुत प्यार करती थी। कमाल अमरोही ने कहा था कि उस दिन हॉस्पिटल वो पैसे लेकर गए थे, पर मीना जी ने पैसों की कमी का कोई जिक्र नहीं किया, इसीलिए वो पैसे वापस लेकर आ गए। उस दिन मीना कुमारी ने कमाल अमरोही के कंधे पर अपना सर रखा और बोली, मैंने इस दुनिया में काफी कुछ देख लिया है और मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं देखना चाहती। बस मैं तो यही चाहती हूँ कि आपकी बाहों में मर जाऊं। अगली सुबह खुर्शीद और मधु बड़ी खुश थीं। मीना की सेहत में सुधार हो रहा था। उन्होंने मीना कुमारी से कहा कि तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी, फिर हम सब मिलकर ताश खेलेंगे। मीना कुमारी ने कहा, हाँ खेलेंगे, पर ये वादा वो पूरा नहीं कर पाई। कुछ देर बाद ही मीना जी की तबीयत और ज्यादा खराब हो गई, दर्द से तड़पने लगी। खुर्शीद ने डॉक्टर को बुलवाया, दवाइयाँ दी गई पर कोई फायदा नहीं हुआ। रात भर मीना कुमारी दर्द में तड़पती हुई रोती रही। दवाइयों ने भी अब असर करना बंद कर दिया था। 30 मार्च की सुबह
डॉक्टर्स ने कहा, केवल अब दुआ ही मीना कुमारी को बचा सकती है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर मीना की बॉडी का सिस्टम अब जवाब दे रहा है। इसके बाद लंदन के डॉक्टर से संपर्क किया गया जिन्होंने मीना का इलाज किया था। उन्होंने भी आखिरी उम्मीद के नाम पर एक दवाई बता दी जो सिर्फ यूरोप में मिलती थी। ऐसे में ओपी राहलान ने मदद की। उन्होंने अपने एक दोस्त को लंदन फ़ोन किया और दवाई लेकर तुरंत मुंबई बुलाया। डॉक्टर्स ने ग्लूकोज ड्रिप शुरू कर दी और पैर में एक सुई डाली गई। उस वक्त मीना कुमारी की दोस्त बेगम पारा भी हॉस्पिटल में मौजूद थी। खुर्शीद सभी रिश्तेदारों को फ़ोन कर रही थी और मीना जी के लिए दुआएं मांगने के लिए कह रही थी, लेकिन एकदम से दर्द की वजह से मीना कुमारी चीखती हुई जाग गई। खुर्शीद अंदर की तरफ भागी। मीना कुमारी खुर्शीद को देखकर बोली, मैं मरना नहीं चाहती आपा, मैं मरना नहीं चाहती। जैसे ही खुर्शीद ने अपनी बहन मीना को बाहों में लिया, मीना ने अपना सर एक तरफ झटक दिया और इसी के साथ मीना अब कोमा में चली गई थी। रात भर बहनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। कमाल अमरोही भी सारी रात जागते रहे और मीना कुमारी की हालत देखकर खूब रोते रहे। अगली सुबह डॉक्टर्स मीना कुमारी के पेट से एक्स्ट्रा पानी बाहर निकाल रहे थे। इंजेक्शन पर इंजेक्शन दिए जा रहे थे। बेगम पारा से ये सब देखा नहीं गया। वो बोल पड़ी, मीना को अब यातना देना बंद करें, लेकिन ये इलाज के लिए ज़रूरी था। पर अब तो पानी की जगह शरीर से खून बाहर आने लगा। हॉस्पिटल में मिलने वालों का जमावड़ा लग गया। गुलजार, सायरा बानो, नादिरा, बहुत से लोग आए। खुर्शीद ने फिर मीना कुमारी को पवित्र जल पिलाया और सबके सामने दुआएं करने लगी। जब मैं मर जाऊं तो खूब सजाना मुझे, भगवान करे मेरी उम्र लग जाए। 3:24, मीना कुमारी ने अपनी आंखें खोली और कमरे के चारों तरफ देखा, लेकिन आखिरी बार। इसके बाद वो अपनी बहन मधु की बाहों में इस स्वार्थी दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह गई। मीना कुमारी ने अपने जाने का दिन भी चुना तो गुड फ्राइडे यानी माफ़ी का दिन। हमेशा की तरह बिना शिकायत, बिना शिकवे के सबको माफ़ कर चली गई। एक चमकता सितारा इस ज़मीन को छोड़कर हजारों लाखों सितारों में जाकर मिल चुका था और अपने पीछे छोड़ गया ऐसी चमक जो आज तक भी वैसी की वैसी बरकरार है और रहेगी। मीना कुमारी की आत्मा तो जन्नत पहुंच चुकी थी, लेकिन उनके शरीर को अभी भी शांति नहीं मिली थी। खुर्शीद ने कहा, मीना चाहती थी कि उनके शरीर को फ्लैट पर ले जाकर बिस्तर पर लेटाया जाए और उसके बाद अब्बा और अम्मी के बगल में सुन्नी कब्रिस्तान में दफन किया जाए, पर डॉक्टर ने फ्लैट पर ले जाने की इजाज़त नहीं थी। डॉक्टर ने कहा, इस बॉडी में इतना पानी भरा है कि वो रास्ते में फट भी सकती है, इन्हें तो सीधा कब्रिस्तान ले जाइए, यही बेहतर होगा। वहीं कमाल अमरोही ने भी कह दिया कि मीना कुमारी की इच्छा थी मेरे दादा के बगल में अमरोहा में दफनाया जाए। मीना कुमारी की बहनें कुछ भी नहीं कह सकी, क्योंकि कानूनी रूप से तो कमाल अमरोही अभी भी मीना कुमारी के पति थे। मीना कुमारी की आखिरी इच्छा को ध्यान में रखते हुए उनके पार्थिव शरीर को एक बार फ्लैट पर ले जाना तो तय हुआ, लेकिन बात अटक गई हॉस्पिटल के बिल में। बिल का पेमेंट करने से पहले मीना कुमारी के शव को देने से मना कर दिया गया। तब मीना कुमारी के एक फैन डॉक्टर ने उस बिल का पूरा पेमेंट किया और बहुत सी जगह ये लिखा पढ़ा और सुना जाता है कि मीना कुमारी के पास इतने भी पैसे नहीं थे कि हॉस्पिटल का पेमेंट कर सके। पर बीवी का टीवी इस बात को खारिज करता है, क्योंकि हॉस्पिटल जाने से पहले पैसों की व्यवस्था मीना कुमारी ने की थी, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होंगे। जिसके खून के साथ ही खुददारी बहती हो, वो कभी नहीं चाहेगी उसके इलाज का पैसा कोई और दे। जीते जी तो उन्होंने अपने पति कमाल अमरोही तक से पैसे नहीं मांगे थे। हालांकि ये बात सच है कि उसके बाद कमाल अमरोही ने उस फैन को वो पैसे वापस लौटा दिए थे। मीना कुमारी के पार्थिव शरीर को हॉस्पिटल से नीचे लाया गया। ओपी राहलान, राजेंद्र कुमार, कमाल अमरोही, अल्ताफ चारों मिलकर मीना कुमारी के शव को नीचे लाए। सब जगह ये खबर अब आग की तरह फैल चुकी थी कि मीना कुमारी अब इस दुनिया में नहीं रही। मीना कुमारी के आखिरी दर्शन के लिए राखी, जया भादुड़ी, फरीदा जलाल, बीआर चोपड़ा, अमिताभ बच्चन, यश चोपड़ा जैसे बहुत से लोग वहां पहुंचे। फ्लैट पर एक बार ले जाने के बाद मीना कुमारी की शव यात्रा रात 10 बजे कब्रिस्तान पहुंची।
अंतिम प्रार्थना के बाद फिर ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी को दफन कर दिया गया। मीना कुमारी की जिंदगी का सार समझने के लिए ये चंद लाइनें ही काफी हैं, जो उन्हीं की लिखी हुई हैं, यानी नाज ने लिखी हैं। नाज यानी मीना कुमारी, और वो ये चाहती थी कि उनकी कब्र पर इन लाइनों को उकेरा जाए। और मीना कुमारी के ये अल्फाज थे, उसने एक टूटी हुई बेला के साथ, एक टूटे हुए गीत के साथ, एक टूटे हुए दिल के साथ जीवन का अंत किया, लेकिन एक भी पछतावा नहीं। मीना कुमारी जाने के बाद ऐसी लकीर खींच गई जिसे कोई नहीं पार कर सका। उन्होंने अपने अभिनय के दम पर ऐसा मकाम हासिल किया जिसका आज तक कोई सानी नहीं है। लेकिन फिल्मों की ट्रेजेडी क्वीन रियल लाइफ में ट्रेजेडी क्वीन ही रही। वो दूसरों के लिए मंजिल बनी और ता उम्र खुद अपनी मंजिल के लिए रास्ता ढूंढती रही। मीना कुमारी खुद कहती थी, मैं मानती हूँ मैं कभी भी देवी नहीं थी और देवी बनने का मेरा कोई इरादा भी नहीं है। मैं वो आदर्श महिला भी नहीं हूँ जिसे आप पर्दे पर देखते हैं। मैं तो एक कमजोरी का बंडल हूँ, सिर्फ एक महिला हूँ। एक महिला जो जीना चाहती है, जो प्यार करना चाहती है। लेकिन मीना, जिसके लिए प्यार इतना मायने रखता था, वो हमेशा उस प्यार से मरहूम रही। महज 39 साल में ही इस स्वार्थी दुनिया को छोड़कर चली गई। मीना के जाने के बाद नौशाद साहब ने कहा था, भारतीय सिनेमा महान अभिनेत्रियों का निर्माण कर सकता है, पर दूसरी मीना कुमारी नहीं बना सकता। सबसे सुंदर नायिका मधुबाला कही जाती हैं, पर मीना जी जैसी अद्भुत आवाज किसी के पास भी नहीं। ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार भी मीना कुमारी की एक्टिंग का लोहा मानते थे। महानायक अमिताभ बच्चन भी कहते हैं, मीना कुमारी जैसी डायलॉग डिलीवरी ना ही कोई दे सकता था और ना ही कोई दे सकेगा, कभी भी नहीं। ऐसी बहुत सी बातें मीना कुमारी के लिए फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने कही। मीना कुमारी को कई एक्टर्स को सुपरस्टार बनाने का श्रेय भी मिला, जिसमें सुनील दत्त, ही मैन ऑफ बॉलीवुड धर्मेंद्र और जुबली कुमार, राजेंद्र कुमार जैसे दिग्गज लोगों के नाम शामिल हैं। मीना कुमारी की आंखों में ऐसा जादू था कि फिल्म पाकिजा, साहब बीवी और गुलाम जैसी कई फिल्मों में उनकी आंखों के क्लोजअप शॉट्स दिखाए जाते थे। मीना कुमारी को श्रद्धांजलि देने के लिए उस वक्त बैजू बावरा फिल्म वापस से सिनेमाघरों में चलाई गई थी, जिसे देखकर दर्शकों ने उन्हें खूब याद किया और आंखों से आंसू बह रहे थे। वहीं पाकिजा फिल्म को दर्शकों ने ऐसा प्यार दिया कि वो एक क्लासिकल फिल्म बन गई। जहां सब लोग अलग अलग तरीके से श्रद्धांजलि दे रहे थे, वहीं नरगिस ने एक लेख मीना के नाम पर लिखा और लिखा, मीना तुम्हें मौत मुबारक हो। इस लेख ने सभी को चौंका दिया, नरगिस ने ऐसा क्यों लिखा, लेकिन इसका खुलासा हम पहले ही कर चुके हैं। नरगिस ने मीना कुमारी की याद में नेत्रहीनों की मदद के लिए एक ट्रस्ट खोला था और सन 1972 में 22 नवंबर को मीना कुमारी की आखिरी फिल्म रिलीज हुई, गोमती के किनारे। इस फिल्म को दर्शकों ने बहुत प्यार दिया और ये एक हिट फिल्म साबित हुई। कुछ भी कह लें हम, कितना ही कह लें हम, पर मीना कुमारी जैसी महान अदाकारा के सामने हमारे शब्द बहुत कम पड़ गए हैं। और अब वो शब्द आप तक पहुंचाने की बारी है जो मीना कुमारी जी के पेन से निकले और यूँ कहूँ कि दिल के जज्बात सामने आए। वो शेर शायरियाँ नाज यानी मीना कुमारी जी की अभी आपको हम सुनवाते हैं। लेकिन साथ साथ ये भी कह दूँ कि मीना कुमारी जैसे विरले लोग बहुत ही कम धरती पर आते हैं, लेकिन जब जाते हैं तो बहुत सारी यादें छोड़ जाते हैं, बहुत सारे किस्से छोड़ जाते हैं। और अब उन्हीं के शब्द आइए सुनते हैं। चांद तन्हा है, आसमां तन्हा, दिल मिला है कहां कहां तन्हा, बुझ गई आस, छुप गया तारा, थर थराता रहा धुआं तन्हा। जिंदगी क्या इसी को कहते हैं, जिस्म तन्हा और जान तन्हा। हम सफर कोई घर मिले तो कभी, दोनों चलते रहे कहां तन्हा, जलती बुझती सी रोशनी के पर, सिमटा सिमटा सा एक मका तन्हा। आगाज तो होता है अंजाम नहीं होता, जब मेरी कहानी में वो नाम नहीं होता। हंस हंस के जवां दिल के हम क्यों ना चुने टुकड़े, हंस हंस के जवां दिल के हम क्यों ना चुने टुकड़े, हर शख्स की किस्मत में इनाम नहीं होता। बहते हुए आंसू ने
आंखों से कहा थमकर, बहते हुए आंसू ने आंखों से कहा थमकर, जो मैं से पिघल जाए वो जाम नहीं होता। यूं तेरी रह गुजर से दीवानावार गुजरे, यूं तेरी रह गुजर से दीवानावार गुजरे, कांधे पे अपने रख के अपना मजार गुजरे। बैठे हैं रास्ते में दिल का खंडहर सजाकर, शायद इसी तरफ से एक दिन बहार गुजरे। तूने भी हमको देखा, हमने भी तुझको देखा, तू दिल की हार गुजरा, हम जान हार गुजरे। ये रात, ये तन्हाई, ये सन्नाटा, ये डूबते तारों की खामोश गजल रवानी, ये वक्त की पलकों पर सोती हुई वीरानी। जज्बाते मोहब्बत ये आखिरी अंगड़ाई, जज्बाते मोहब्बत ये आखिरी अंगड़ाई, बजाती हुई हर जानिब ये मौत की शहनाई। पल भर को तुम आ जाओ, बंद होती मेरी आंखों में, पल भर को तुम आ जाओ, बंद होती मेरी आंखों में, मोहब्बत का एक ख्वाब सजा जाओ मेरी आंखों में। आपसे मुखातिब फिल्म है नूरजहां। मैं ये तारीखी किरदार करना नहीं चाहती थी, क्योंकि तारीखी किरदार अक्सर गलत तौर पर पेश किए जाते हैं। इसके बावजूद मैंने इस किरदार को निभाने की कोशिश तो की है, आप भी पसंद करेंगे शायद। फिल्म आरती में मैं एक ऐसी औरत हूँ जिसे लोग मीना कुमारी कहते हैं, शीतल, शांत, गंभीर। और इस फिल्म का गीत मुस्तकबिल की उम्मीदें लेकर सदा मेरे साथ रहा है और रहेगा। इन्हीं शेर शायरियों के साथ अब बीवी का टीवी सलाम करता है ऐसी महान अदाकारा को, और उम्मीद करता है आपसे कि आपको हमारी ये पेशकश पसंद आई होगी। और मीना जी भी आप सभी देखने वाले दर्शकों को शुक्रिया कह रही होगी कि आपने उनके जीवन के बारे में जाना। और हाँ, कमेंट ज़रूर कीजिए, बताइए क्या आपको लगा, रियल लाइफ या रियल लाइफ ट्रेजेडी क्वीन कहाँ थी। अब यही कहूँगा कि सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। हमारे बाकी चैनल्स भी हैं, टीवी का टीवी आध्यात्मिक चैनल है, चाचा हिंदुस्तानी कॉमेडी का चैनल है, और एवी का टीवी बच्चों के लिए कुछ खास चैनल है। ऐसे ही हमारे तमाम चैनल्स को आप प्यार देते रहिए, और अब आज्ञा दीजिए तरुण व्यास को, और डूबे रहिए बॉलीवुड के प्यार में।